एक सेकंड, हल्का सा इधर हल्का सा चल। थैंक यू। ठीक है उधर, क्या हुआ प्रकाश? नोट सभी को मिल गया है? एक वहां पे था, एक चेयर पे। अनुजा मिल गया है? लीजिए। क्या हुआ? अच्छा ओके। अभी इधर है? अभी ठीक है? इसमें जो आ रहा है फ्रेमिंग में है? यस सर, यस सर। चलिए कोई बात नहीं, लाइट आ जाएगी, डोंट वरी। तो नोट्स सभी को मिल चुका होगा, यस और नो? यस सर। चलिए तो पेज उसमें 19 से 26 तक होगा, ठीक है ना? 19 से 26 तक नोट्स आपको मिले होंगे। सब लोग अपना चेक कर लीजिए, कोई 19 से किसी का 24 तक नहीं है ना, देख लीजिए। और किसी को 27 मिला होगा तो भी बता दीजिएगा, बिकॉज बहुत जरूरी है वो, ठीक है? 26 तक होगा, ठीक है? चलिए अब आपके पास और एक चीज और, जो जिनका मैपिंग अगर छूटा हो इनकेस, तो आप सुबह वाले बैच में चल रहा है तो मैपिंग आके कर सकते हैं, ठीक है? 6:30 AM इन द मॉर्निंग नया बैच है, हाँ न्यू बैच है, वहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो आके कर सकते हो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं और आज मजा ले, मतलब अलग लेवल का आने वाला है। क्या क्या नहीं, तो अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और चीज़ों को कनेक्ट करते हैं और सुनना ध्यान से। जीवन के जो है इस ये जो आपको मिला है पेज सब संभाल के रखे है ना आप लोग? रखिएगा संभाल के, नहीं तो बहुत पछताएंगे आप। तो आज पढ़ने वाले हैं हम लोग मेजोरिटीज। इसका क्या है बहुत, और पहली बात बता देता हूं, ये जो आपको बताने वाला जो आज आपके पास जो है, ये मेजोरिटीज पूरे पॉलिटी में काम आएगा। जो भी लॉ पास होगा आपको खुद से देखना है कि वो लीगल है कि नहीं है, क्या है, प्रोसीजर से हुआ है कि नहीं है, संवैधानिक है कि नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? एक एक चीज क्लियर होके रहेगा, ठीक है? तो ठीक ठाक रेडी हो सब? पक्का? चलो जो आए वो भी सही, जो नहीं आए वो भी सही, जो नहीं आएंगे उनको थोड़ा सा नुकसान होगा। बाकी आगे आते हैं, आप अपने पेज पे देखना 19 पे, आपको कुछ मेजोरिटीज के टाइप्स दिख रहे होंगे, जिसमें पहला आपको दिख रहा होगा एब्सोल्यूट मेजोरिटी, दूसरा क्या है एक आपको सिंपल दिख रहे होंगे, और थर्ड इफेक्टिव, और एक फोर्थ होगा स्पेशल मेजोरिटी। दिख रहा है? बहुत बढ़िया। पीछे का नोट्स रखे हो जो कल मैंने दिया था? yes, जरा उसको एक बार ओपन करिए, और उसमें जो पार्ट एक बार बताया था, सिर्फ एक मिनट जल्दी से स्कैन मारिए पूरा। कौन से पेज नंबर तक दिया था? 14 से 18 दिया था ना? yes, 18 से पहले जो आपको एक टेबल बताया था मैं,
वापस अब इधर आइएगा जरा ध्यान से। देखिए पहली बात फिर से रुक जाइए, जो टेबल का पार्ट मैंने बनाने के बोला था बना के, बहुत लोग ने ग्रुप में डाला है, बहुत लोग नहीं डाले हैं, तो जो लोग नहीं डाले हैं ग्रुप में वो डाल लीजिएगा, मेरी बात समझ में आ रही है, और भेज दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा किसी भी तरीके से, ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है ना। उसको थोड़ा ओपन कर दीजिए, क्या 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 टेबल में, अच्छा हाँ कोई बात नहीं, समझा देंगे, चिंता मत करिए, एक बार बता चुके हैं ना, वापस आ जाएगा, बाकी चिपका लेना पहले, ठीक है ना। कहीं एक बार में समझ में नहीं आया था, कोई बात नहीं, दो बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। और सुनो ध्यान से एक बार, यहाँ जो पढ़ाते हैं थोड़ा 5 मिनट जाके मान लिया करो वहाँ पे, ठीक है, नहीं तो यहाँ के गए अब सोचे सर पढ़ा दिए संपूर्ण हो गए, अब कल फिर आए मुंह हाथ धो के सर आज नया पढ़ाओ, फिर कल संपूर्ण हो जाएंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है यार, आप एक ईमानदारी से बात बताना, जितना मैं पढ़ाता हूँ आपको 10 मिनट से ज़्यादा लगेगा क्या रिविजन में, और हार्डली बोले कोई 1 घंटा दे देता है तो 1 घंटे से ज़्यादा लगेगा यार, इतना तो ऑलरेडी इतनी बार क्लास में हो गया रहता है कि 1 घंटा भी दे दोगे तो तुम्हारा चमक जाना चाहिए। अरे क्या हुआ, सब नहीं बोले या सुनो क्यों राहुल? अब कुछ लोग सोच रहे हैं जिसको नहीं भी वो भी हाँ बोलना, मेरे पास समझ में आ रही है। तो आगे आना और पहले डिस्कस करेंगे, देखो सुनना प्लीज, रेडी हो सब? तो पीछे वाला जो नोट्स था उसको आप साइड में रख दीजिए और सिर्फ अभी जो नोट्स दिया हूँ 90 से 26 उस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला है इसमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी पहले डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और एब्सोल्यूट के बाद 1 by 1 सारे डिस्कशन करेंगे, क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले से एब्सोल्यूट से, और सुनना ध्यान से, एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या होता है पता है? सिंपल मीनिंग नहीं बोलता है, गांव में जैसे एक लैंग्वेज, गांव में कहावत होता है, कहावत है माने उसको दूसरे तरह से बोलते हैं, एब्सोल्यूट बा, एब्सोल्यूट मतलब जितना है ओरिजिनल है, उसमें कुछ मिलाया उलाया नहीं है, बस अभी इतना समझना, बाकी मेजोरिटी अलग है। अब इधर देखना आपको उसमें फर्स्ट देखो क्या दिख रहा होगा, कुछ कोड लिखेगा, जो कोडिंग में आपको पहले बता देता हूँ, कोडिंग सिंपल है, जैसे TS है, TS का मीनिंग है टोटल स्ट्रेंथ, बस इसको, हालांकि आपके नोट्स में भी बहुत तोड़ तोड़ के ऑलरेडी लिखा हुआ है तो चिंता नहीं करने का, बट मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ही हो। LS मतलब है लोकसभा और RS मतलब राज्यसभा, ये बस दिमाग में रखिएगा, ये ज्यादा यूज होगा वहां पे, लोकसभा और राज्यसभा दिख रहा है? Yes, बहुत बढ़िया। तो अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी में फर्स्ट लाइन देखोगे तो लिखा हुआ है यूज्ड ओनली इन लोकसभा एंड SLA, तो SLA का मीनिंग बता दिया था, स्टेट लेजिस्लेटिव, बहुत बढ़िया, ये छोटी छोटी चीज बस दिमाग में रखना, जहां पे क्या जिसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, विधान, विधानसभा, सिंपल सा मतलब ठेठ भाषा में नहीं बल्कि रियल भाषा में, अब उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, अब हम पूरा का पूरा पहले हटाते हैं और सिर्फ एब्सोल्यूट मेजोरिटी यहां लिखा हुआ है। चलो पहली बात उसमें लिखा होगा, ध्यान से देखना, यूज्ड ओनली लोकसभा लिखा हुआ है और SLA लिखा हुआ है, ये अभी ध्यान मत देना क्योंकि ये क्या है अभी समझेंगे, पहले एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इधर इधर सब लोग इधर देखना, आप नोट्स पर भी मत देखिएगा प्लीज, ठीक है, जब बोलूंगा तब। सबसे फर्स्ट दिमाग में रखना है कि लोकसभा और SLA में, अगर लोकसभा का वोट आप लोग डायरेक्टली देते हैं, MP का चुनाव तो डायरेक्टली होता है ना, यस और नो, आम आदमी देता है कि नहीं देता है? देता है। इसको दिखना जीतने के लिए क्या होता है, सिंपल, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। भैया मान लो 4 आदमी खड़ा है, 4 आदमी में से 3 आदमी को 10-10, 5-5 मिला, किसी एक को सबसे ज्यादा मिल गया वो जीत गया। अब वहां पे जो लिखा हुआ है एक वर्ड ग्रेटर देन 50%, देखना ध्यान से, ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, सुना इधर, टोटल स्ट्रेंथ, तो पहले कुछ चीजें समझ लो जो आपको पता है फिर भी बता देता हूं। लोकसभा में टोटल सीट्स है 545, अभी इतना समझ के चलना बस, और राज्यसभा में 245 समझ के चलना, मतलब लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ 545 और राज्यसभा का 245, मेरी बात समझ में आ रही है? अरे समझ रही है, समझ रही है? ऐसे देख रहे हैं कुछ लोग, ठीक ठाक है ना? देखना इधर, मैंने बोला है ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल, मान लो मैं बोल रहा हूं लोकसभा में, तो ग्रेटर देन 50% है ऑफ कितना, मान लो 545, क्योंकि हम किसका ले रहे हैं अभी, तो
कहने के लिए 545 में से किसी कैंडिडेट का इसका 50% कितना होगा? लगभग मान लो, मतलब सोच के देखो, अगर किसी को 273 अगर सीट आ जाता है तो क्या भैया वो सरकार बना लेगा? सुना ध्यान से, बना लेगा नहीं बना लेगा? मतलब कि 545 का 50% में निकालने आता है ना, इतना इतना तो कम तो नहीं है ना? चलो तब ठीक है, नहीं तो बता देना भैया। नहीं है, हम बता देंगे, शर्माना मत, लेकिन पूछ लेते हैं, ठीक है? तो 545 सीधा 50% 2 से डिवाइड करो, आपको आ जाएगा इतना लगभग। अब आदमी है तो 272.5 तो लिखोगे नहीं, मेरे पास समझ आ रही है? सुनना, और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरे वीडियोस का फायदा यह है कि शुरुआत से जो अंत तक नहीं देखेगा उसको फायदा मिलेगा ही नहीं, पूरा कंप्लीट वीडियो देखेगा उसी को मजा आएगा, अदरवाइज नहीं। अब देखना, ये 273 किसी पार्टी को अगर मिल गया, सुनना ध्यान से, वो अपनी सरकार बना लेगा। मान लो अब ये 273 जो है ये दो तरीके से बनाया जाता है, या तो हो सकता है बीजेपी को खुद ही अकेले आ गया इतना सीट, जैसे कि अभी चल रहा है, सुनना ध्यान से, 17th लोकसभा अभी चल रहा है, मतलब ये लोकसभा का जो है टर्म है वो 17वां है, तो 17वें लोकसभा में बीजेपी को आया था 303 सीट 545 में से, तो क्या ये सरकार बना पाएगी अकेले? आराम से, मतलब धूमधाम से, बिल्कुल है ना? तो भैया ये जो आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी है इसका सिंपल एक ही मीनिंग है, ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, और जिसको भी ये ज्यादा आ गया वो सरकार बना लेगा। और मैंने अब कहां लिखा है, दो जगह पे, एक कहां लोकसभा में और दूसरा कहां एसएलए में। इसी तरीके से हर राज्य में भी इलेक्शंस होंगे, और हर राज्य में जो इलेक्शंस होंगे वहां पे भी ग्रेटर देन 50% है तो काम हो जाएगा। और मेरी बात समझ में आ रही है? yes, अब जरा, मैंने यहां लिखा था राज्यसभा का 245, तो राज्यसभा मैंने यहां कहीं लगाया क्या? नहीं। क्योंकि राज्यसभा में कोई पॉलिटिकल मेजोरिटी नाम का चीज होता भी नहीं है, और आप राज्यसभा का वोट देते हो क्या? नहीं। तो भैया राज्यसभा को तो आप चुनते हो एमएलए को, और एमएलए चुनते हैं राज्यसभा के एमपीज को, मेरे पास समझ में आ रही है? तो ये बात बस हटाना, वो सिर्फ आपके ज्ञान के लिए था। तो लोकसभा में कैसे सरकार बनेगा और एसएलए में कैसे बनेगा, आपको क्लियर हो गया? तो अब नोट्स पे ध्यान से देखो एक बार, यूज ओनली लोकसभा एंड एसएलए, अब क्लियर हो रहा होगा? वहां पे एक लाइन लिखा है नॉट इन राज्यसभा एंड एसएलसी। भैया राज्यसभा में क्यों यूज नहीं होगा? क्योंकि पहली बात तो आपको, अगर राज्यसभा में, सोच के देखो, सुना ध्यान से, अगर राज्यसभा में यूज होने लगा तो फिर लोकसभा के वैल्यू क्या रह जाएगा? दूसरा, एसएलसी मैंने लिखा है, और क्या बोला था, लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट्स में बहुत मिनिमम है। अब नीचे जरा आना, देखना नीचे, मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, और एक एक चीज बहुत बारीकी से लिखा हुआ, उसमें आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पड़ेगी क्या ज्यादा जरूरत, ऑलरेडी इतना तोड़ के लिखा हुआ है। आगे नीचे अब मैंने लिखा है, लोकसभा में मान लो 545 है, सो 545 का 50% कितना हुआ, 273, तो 273 या तो सिंगल पार्टी की हो गई या फिर कॉलिशन होगी। उसके आगे, नॉट एनी काइंड ऑफ लॉ कैन बी पास्ड विद दिस मेजोरिटी, जैसे ये 17th लोकसभा है एंड बीजेपी अकेले मेजोरिटी में है, बिकॉज 303 में से 345, तो जब अगर साथ में मिलकर बनाया तो उसको क्या बोलते हैं, कॉलिशन, जिसको गठबंधन ना बोलो, मतलब दो या दो से ज्यादा पार्टी। वो कब बनेगा, जब किसी को 273 पूरा बहुमत नहीं मिला है। मान लो बीजेपी को मिला रहता 202, ठीक, और कांग्रेस को मिला है मान लो 82, तो ना तो कांग्रेस सरकार बना पाएगी और ना ही बीजेपी, क्योंकि बनाने के लिए कितना चाहिए, 273। अब भैया बोला चल आपस में भाई भाई, तो दोनों मिल गया तो कितना सीट हो गया, लगभग 284 के करीब, 273 से ज्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे, कोलिशन गवर्नमेंट। और जब एक ही पार्टी, सुनो, एक ही पार्टी पूरे बहुमत में हो उसको बोलते हैं मेजोरिटेरियन, उसको बोलेंगे मेजोरिटेरियन। आ रही समझ, एकल जो बहुमत है बस उतना। तो अभी इधर हेलो देखना, जो मैंने बोला है आपको कि जो आपका मेजोरिटीज में सबसे फर्स्ट पढ़ाया है एब्सोल्यूट मेजोरिटीज, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या बोला है, ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। यहां तक पहले क्लियर है? मतलब कि सीधा सा बात है, जितना स्ट्रेंथ है उसका 50% से ज्यादा हो तो कोई भी आदमी सरकार बना लेगा। यूज कहां कहां होगा, लोकसभा में और एसएलए में। अब राज्यसभा में नहीं, लोकसभा और एसएलए यानी कि विधानसभा। राज्यसभा किसी को लग रहा है क्या? नहीं। आ गया ना दूसरा, अब जरा देखना सिंपल मेजोरिटी। ये सिंपल मेजोरिटी जो है ये सबसे कमाल का चीज है, क्योंकि सिंपल मेजोरिटी सबसे ज्यादा यूज होता है। और एक बात आपको बता दूं, ये जितने भी मेजोरिटीज यहां मैं जो पढ़ा रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली ये लिखा हुआ है कि ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। बस ये हमने
समझने के और कुछ लक्ष्मीकांत चाचा का देन है। तो कुछ लक्ष्मीकांत चाचा भी यूज किए हैं, कुछ एमपी जैन ने भी यूज किया है, इसलिए हम लोग बता रहे हैं, बट इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बाकी आप जो लिखोगे एग्जामिनर समझ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि एग्जामिनर उसको पता है कि हाँ एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है, ठीक है? तो आप एब्सोल्यूट मेजोरिटी वर्ड मीन्स में यूज कर सकते हैं। आ रही समझ? अब इसी के बाद आना नेक्स्ट क्या है, सिंपल मेजोरिटी। देखो सिंपल मेजोरिटी जो है, ये सिंपल नाम तो है ही लेकिन काम का है ये बहुत। पहले क्या है देखो, उसमें ग्रेटर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग दिख रहा है? Yes, पक्का? Yes, तो ग्रेटर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग को शॉर्ट फॉर्म में मैंने PNV लिखा हुआ है, और नोट्स में ऐसे भी तोड़ के लिखा हुआ है। तो पहले इसका ना कॉन्सेप्ट समझ लो, PNV। सुनना इधर, बोर हो रहे क्या? आना इधर, प्रेजेंट और वोटिंग। ये जरूरी नहीं है कि जो प्रेजेंट होगा वो वोट करेगा ही करेगा भाई, जरूरी है क्या? अब कोई क्लास में आया है तो ये जरूरी नहीं है, यहाँ का तो छोड़ दो, कि वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो पढ़ेगा। yes, नहीं भी पढ़ेगा तो हम इतना बजाएंगे चुटकी कि उसका नींद धुन सब गायब हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बट ये जरूरी उधर लोकसभा में नहीं। अब भैया कमाल की बात क्या है देखो इधर, मान लो कोई आदमी प्रेजेंट है लेकिन वोट देना नहीं चाहता है, उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें एक कारण एक ये है, मान लो आप किसी पर्टिकुलर अपने विधानसभा क्षेत्र के MP या विधायक हैं, मान लीजिए, ठीक है, मान लिए। आप क्या है, एक बिल पास हो रहा है, मान लीजिए किसान का बिल पास हो रहा है, एग्रीकल्चर बिल, ठीक है। अब कृषि बिल पास हुआ, इधर सुन रहे सब? और आपको पता है कि ये कृषि बिल किसान के लिए मान लो फायदेमंद नहीं है, मान लो। अब आप गए अपने क्षेत्र में भ्रमण करने तो बोले कि चाचा अगर ये बिल पास हो गया ना तो अगला बार वोट देंगे नहीं हम। मेरी बात समझ में आ रही है? आप समझ पा रहे हो जो हम बोल रहे हैं? तो किसान ने सीधा बोला कि अगर ये बिल पास हुआ तो हम आपको वोट नहीं देंगे। मेरी बात समझ में आई? अब ये पड़ गए चक्कर में, लेकिन एक मैंने आपको दिमाग में रखना कि पार्टी, जिस पार्टी से भी, मान लो आप BJP पार्टी से हो या कांग्रेस से हो, पार्टी ने आपको बोला है कि वोट आपको करना पड़ेगा उस बिल के समर्थन में, और भैया आपको पार्टी की बात भी माननी पड़ेगी, नहीं तो पार्टी आपको निकाल देगी, क्योंकि पार्टी का भी तो नियम कानून है। yes, और इधर आप नहीं किए तो ये लोग भी वोट नहीं देंगे, तो भैया पड़े दोनों चक्कर में। तो इसीलिए प्यार से एक चीज होता है, एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं एब्सटेन। एब्सटेन मतलब होता है भैया वोट से वापस आ जाना, मतलब आप गए तो थे लेकिन आपने वोट नहीं दिया, बोला ना हम देंगे ना कुछ करेंगे, भैया ना इसका ना उसका। जैसे गांव वाले ने बोलता है, हमरों को दिया वोट दिया हो चाचा, वोट दिया हो ना तक कदम 6 इंच छोट हमके वोट दिया हो, समझ में आ रहा है? अब भैया इधर देखना, ये बात तो हो गया, लेकिन कमाल की बात सुनो, कमाल की बात है। लोग बोलते हैं क्या, भैया तू हमरे बार, तू हमरे बार। गांव में नहीं होता है, गांव में आपको सब फील कराते रहते एकदम कि भैया तुम ही जीत रहे हो, आ रहे समझ में? वो बाद में अफसोस होता है कि क्या हुआ था। अब क्या होता है, इधर आपके पास ऑप्शन था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब इधर देखना ध्यान से, एब्सटेन में आपने सिंपल बोला हम वोट नहीं देंगे, मतलब ना तो उनके समर्थन में, नहीं हम वोट में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, कि ना तुम पार्टी हमको निकालेगी ना ही वो निकालेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद आगे आना, तो सिंपल मेजोरिटी में मैंने बोला है ग्रेटर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, लेकिन एब्सोल्यूट में क्या बोला था, ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। लेकिन यहां मैंने लिखा है प्रेजेंट एंड वोटिंग, टोटल स्ट्रेंथ मान लो लोकसभा का कितना था, 545, लेकिन प्रेजेंट मान लो 500 ही है। बात तो ये भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि 545 के 545 आ ही गए। मेरी बात समझ में आ रही है? प्रेजेंट कितने हैं? 500। तो हम जब प्रेजेंट 500 हैं तो 500 के हिसाब से चलेंगे ना। अब उस 500 में हम देखेंगे कितने लोग यस बोल रहे हैं, कितने लोग नो बोल रहे हैं, यस और नो। ये भी पॉसिबिलिटीज है कि 545 के 545 भी पहुंच जाए, लेकिन भैया इंडिया है। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तो हमेशा केस MPs पर चलते रहता है कि बेटा तुम इतना दिन में मात्र इतना ही किए हो। अभी आपको आगे डेटा दूंगा, सचिन तेंदुलकर से लेकर सब किसी का डेटा दूंगा कि वो लोग मतलब इतना दिन में, 5 साल में कितना दिन आया है लोग। मेरी बात समझ में आ रही है? खैर कोई बात नहीं, वो लोग राज्यसभा में, इधर आना। तो यहां में मैंने बोला है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग प्रेजेंट हैं उसका 50% से ज्यादा होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है?
टोटल सीट तो कितना था? 545। प्रेजेंट कितना है? 500। तो प्रेजेंट है 500। अब इस 500 का 50% निकालोगे, मेरे बात समझ में आ रही है? तो 500 का, हाँ बहुत बढ़िया, तो देखो तेज हो आप लोग, तो ये 250 आया, मेरे बात समझ में आ रही है? तो 500 का 50% से ज्यादा सहमति अगर होगी तब जाके कोई भी बिल पास हो जाएगा, मेरे बात समझ में आ रही है? आप सुना ध्यान से, बराबर होना ही नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला 250, लेकिन लाना है आपको 251। अब 251 लाना है, अब मान लो 251 में से कुछ लोगों ने, भैया ये जो 251 समझ रहे हैं इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि 251 लोग इस बिल के समर्थन पे ऑलरेडी हैं, उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है कि भैया ले जाओ पास करा लो। और सुनना ध्यान से, बराबर अगर जब भी होगा तो वापस से जो लोग नहीं है, मतलब जो नहीं है उनका तो उधर कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, जो प्रेजेंट है उसमें से फिर वापस काउंट किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा सिनेरियो नहीं होता है, इसलिए क्योंकि जिसको पास कराना होता है वो यहाँ नहीं, बीजेपी वाला तो टॉयलेट कराने भी नहीं भेजता है एमपी वालों को, मेरे पास समझ में आ रही है? कोई बीजेपी अपना एमपी और एमएलए को लेकर कहीं होटल में रखा हुआ है, कोई और कहीं रखा हुआ है, तो डर लगा रहता है कि भाई टॉयलेट कराने नहीं भेजेंगे, पता नहीं है तुम बीजेपी में कहीं कांग्रेस में ना चले जाओ, मेरे पास समझ में आ रही है? यहाँ पे उस तरीके का रहता है। और कोई अगर सरकार अगर सिंपल मेजोरिटी से भी पास नहीं करा पाए तो सरकार ही क्या है, समझ में आ रहा है? अब बजट है, अब कोई सरकार बजट ही नहीं पास करा पाया, आगे पढ़ाऊंगा आपको, तो भैया बजट नहीं पास कराया सीधा सरकार गिर जाएगी एकदम से, मेरी बात समझ आ रही है? खैर, जो सिंपल मेजोरिटी पढ़ाया था और जो एब्सोल्यूट बोला था, उन दोनों में फर्क पहले समझ में आ रहा है? एक जगह है पूरा स्ट्रेंथ का 50% से ज्यादा होना चाहिए, और दूसरी जगह क्या है? प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% से ज्यादा होना चाहिए। तो ये दिमाग में पहले रखना, ये है सिंपल मेजोरिटी। अब अपने नोट्स पे एक बार जरा गौर फरमाना, देखना ध्यान से, वहां क्या लिखा है? यूजेज, यूज्ड इन ऑल हाउसेज, ये हर हाउस में यूज हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो, एसएल हो, राज्यसभा हो, चाहे एसएलसी हो, ठीक है? इसलिए मैंने पहले लिख दिया है कि सबसे ज्यादा यूज सिंपल मेजोरिटी का होता है। और एक बात दिमाग में रख लेना सभी लोग, सुनना, जब भी कभी कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कौन सी मेजोरिटी से पास होगा, तो दिमाग में रख लेना क्या? सिंपल मेजोरिटी। जब भी कुछ नहीं मिले उसको सीधा बोल देना कि किसी से पास होगा, सिंपल मेजोरिटी से। और कमाल की बात आपको बताता हूं कि उसी सिंपल मेजोरिटी का एक वर्ड आपके फोन में एक ऑप्शन होता है डिफॉल्ट। जैसे डिफॉल्ट में आप क्या सेट करना चाहते हैं कि आप जब अगर सर्च करना चाहते हो तो क्रोम से ही सर्च करना चाहते हो, या फिर आप दूसरे से सर्च करना चाहते हो, मेरी बात समझ में आ रही है? डिफॉल्ट मतलब सिंपल सी बात है कि भैया आपका हर चीज इसी थ्रू होके जाएगा। सिंपल मेजोरिटी को डिफॉल्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब कहीं कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो समझ लेना किससे पास हुआ है, बस। अब जरा आना नीचे, आगे, नेक्स्ट। अब यही चीज मैंने देखो कितने अच्छे से प्यार से लिख दिया है, इफ नथिंग रिटेन देन, समझ लेना कि सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, मेरे बात समझ में आ रही है? अब इससे सिंपल भी कुछ लिखा जा सकता है क्या? अब आ गया ना, एवरी लॉ कैन बी पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऊपर का देखना पॉइंट, सुना ध्यान से, सिंपल मेजोरिटी से हर लॉ पास हो सकता है लेकिन संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सारा का सारा कुछ सिंपल मेजोरिटी से पास किया जा सकता है। बट आगे आना और क्लियर ज्यादा होगा, अभी बस इतना ही ध्यान रखना। आगे नीचे आना, मैंने लिखा इफ नथिंग इज रिटन, समझ लेना कि सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, सो इट इज कॉल्ड क्या? डिफॉल्ट। अरे क्या हो गया, सो गया क्या? एक बार बोलना जोर से, यस। नींद नहीं आ रही ना? अरे तो सो जाना इधर। डिफॉल्ट मेजोरिटी पहले समझ में आ रहे कि कुछ नहीं हुआ तो समझ लेना क्या है, सिंपल मेजोरिटी। अब आना नेक्स्ट, जब नींद किसी एक को आते रहता है ना तो मैं यस बोलवाता हूँ, उसी का नींद अपने आप भाग जाता है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब आना जरा आगे नेक्स्ट, इसी बात पे, अगर प्रेजेंट हो बट नॉट वोटेड देन इट इज एब्सटेन। दिख रहा है एब्सटेन? और ब्रैकेट में हिंदी भी लिखा होगा, भाग नहीं लेना। तो मान लीजिए कि आप एमएलए एमपी है, फॉर्म बिल पास हो रहा है, पार्टी बोली है कि आपको वोट करना होगा, और किसान बोले हैं कि नहीं ये सपोर्ट में नहीं है तो हम आपको अगले बार वोट नहीं देंगे, तो इसलिए वो आदमी क्या करता है, बोलता है भैया हम वोट में ही भाग नहीं। आ रहा समझ में? ना तुम्हारा ना तुम्हारा, हम अपने आप करेंगे, ठीक है? काउंट नहीं करेंगे उसको, प्रेजेंट तो है लेकिन वोट नहीं दिया, क्या अधिकार क्या होगा? वो तो ऑलरेडी एमपी है, उसको सब कुछ मिलेगा, वोट नहीं दिया उसके मर्जी के ऊपर है, बाद बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना? नेक्स्ट 20, क्या क्या हाँ बिल्कुल आराम से बिल्कुल बोलेगा, क्योंकि देखो ओवरऑल अगर कोई भी पार्टी है ठीक है, लेकिन वोट तो लोग ही देंगे आपको। आ रहे समझ में?
वोट तो पार्टी देगी नहीं, लेकिन हाँ अगर पार्टीज ने आपको निकाल दिया, पार्टीज के रहे ही नहीं, तो टिकट जब मिला ही नहीं तो लड़ोगे कैसे? मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों पहलू हैं, लेकिन अगर आप अच्छे काम किए हैं तो भैया आप निर्विरोध भी जीत जाते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन के भी जीत जाते हैं। आ रहे समझ में? बाकी बुरे हैं तो भैया किसी पार्टी का टिकट ले लीजिए, आपका कुछ होने वाला नहीं। बस आगे जरा अब इसी बात पर, जो थर्ड मेजोरिटी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव मेजोरिटी। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके आपको मजा आ जाएगा इसको देख के, और इसके बिना आपका पॉलिटी पूरा बेकार है। तो अभी तक क्या पढ़े हो? हेलो, सबसे फर्स्ट क्या एब्सोल्यूट क्या था बोलना? ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। और इसमें क्या फर्क था? ग्रेटर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब थर्ड आ रहा है इफेक्टिव मेजोरिटी, और ये इफेक्टिव मेजोरिटी अपने आप में बहुत इफेक्टिव है भैया, ये आपको दिमाग के जो है बत्ती जला देगा। इफेक्टिव मेजोरिटी, आ रही है मेरी बात समझ? चलिए अब इसी बात पे इफेक्टिव मेजोरिटी को आगे बढ़ाते हैं और काम फिर करते हैं। सबसे फर्स्ट सुनना इधर प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बारीकी से समझना, इसमें दो तीन स्टेप्स हैं और काफी छोटे लेवल पे आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। इधर देखिए, मेजोरिटी को समझने से पहले पहले ये समझते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है। मतलब जैसे वहां टोटल स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे, फिर एक था प्रेजेंट इन वोटिंग, अब देख रहे हैं इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है, मतलब किसमें से हम चुनेंगे। समझ में आ रहा है? इधर सुनना प्लीज, सब कुछ है लेकिन देख लेना इधर। पहले हम अभी चुन रहे हैं इफेक्टिव स्ट्रेंथ, नॉट मेजोरिटी, इफेक्टिव स्ट्रेंथ। तो आप इफेक्टिव स्ट्रेंथ में सुनना इधर, इसमें लिखा होगा टोटल सीट्स माइनस डी डी और आर। सुनना ध्यान से, डी मतलब डेथ, कोई आदमी कोई एमपी मर गया, डी मतलब डिस्क्वालिफाई कर दिया गया है, और आर मतलब भैया स्वतः रिजाइन कर दिया, बोला कि अब हमको नहीं करना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो टोटल स्ट्रेंथ माइनस डी डी आर, आ रही समझ? तो इसको जब माइनस करेंगे, सुनना, अब अगर हम बात करते हैं कि लोकसभा में मान लो हम यूज कर रहे हैं, कहा तो लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ कितना हो गया? 545। अब आप सोच के देखो माइनस, अब ये देखो कितने लोग मर गए, मतलब 545 में से कितने गए, तो डेथ मान लो 5 लोग मर गए थे, मेरे पास समझ में आ रही है? डिस्क्वालिफाई कर दिए गए मान लो 3 लोग, और रिजाइन कर दिए थे मान लो 5 लोग, टोटल अगर करोगे तो कितना हुआ? 13। तो 545 में से कितना घटा लो अपना 13, जो भी आ जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? इधर सुनना, जो भी आए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना कैलकुलेशन आप कर लेना। अब इस बात में समझना जरा ध्यान से, हाँ ठीक है, मतलब चलता है आगे। तो मान लो इफेक्टिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है पहले टोटल स्ट्रेंथ माइनस डी डी आर, पहले ये समझ में आ रहा है? सुनना ध्यान से, और जैसे ही आपने निकाला, सुनो, तो अब इफेक्टिव, इधर देख लेना पहले, अब इफेक्टिव मेजोरिटी जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए। आप अपने नोट्स में एक बार अब देखना ध्यान से, ग्रेटर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ लिखा होगा, ऐसे ग्रेटर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। पहले समझ आ रहा है? तो पहले हमने क्या निकाला है? इफेक्टिव स्ट्रेंथ, और ये जो स्ट्रेंथ आया है, अब ये अगर 50% से ज्यादा होगा तभी जाके कोई बिल पास होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहले हमने इफेक्टिव स्ट्रेंथ निकाला टोटल एस माइनस डीडीआर, और डीडीआर निकाला तो 545 में से इतने लोग मरे, डिस्क्वालिफाई किए, रिजाइन किए, टोटल हमारा आया कितना? 532। तो अब जो 50% निकालोगे कितने का निकालोगे? 532 का 50%, और ये जो आएगा उससे ग्रेटर जो भी है होना चाहिए, तभी जाके कोई बिल पास होगा। अरे समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है? तो सिंपल मेजोरिटी भैया सिंपल था, एब्सोल्यूट बहुत इंपॉर्टेंट था, और याद रखो एब्सोल्यूट मेजोरिटी मैंने बोला था कहां का यूज होता है? लोकसभा में और एसएलए में, लोकसभा में और एसएलए। तो लोकसभा और विधानसभा में अगर यूज हो रहा है तो किस लिए यूज हो रहा है? जने देखा जिसको पॉलिटिकल मेजोरिटी बोलते हैं, ठीक है, राजनीतिक बहुमत। अब इधर देखना इफेक्टिव, पहले ये वाला पार्ट समझ में आया कि क्या निकाले? अगर हम ओवरऑल सिर्फ मेजोरिटीज की बात करें तो आप डायरेक्टली ऐसे भी समझ सकते थे, देखो ग्रेटर देन 50% ऑफ, अब ये लाइन तो आपको फिर लिखना पड़ता है टी एस माइनस डी प्लस, बात वही है, हमने इतने को एक नाम दे दिया इफेक्टिव स्ट्रेंथ,
अरे समझ में, मतलब हमने इफेक्टिव स्ट्रेंथ निकाल लिया और उसका फिर ग्रेटर देन 50% देख लिया, तो क्या हो गया? इफेक्टिव मेजोरिटी क्या हुआ? अरे जोर से बोलना, नींद आ रही है क्या? नींद आएगी तो हम है इधर आ गया ना। नेक्स्ट देखो, पहले वहां पेज इफेक्टिव स्ट्रेंथ पे आपको दिख रहा है, पहले दिख रहा होगा फुल्ली इन लोकसभा एंड पार्शियली इन राज्यसभा। राज्यसभा में पार्शियली क्यों यूज होता है आपको मैं आगे बताऊंगा। उसमें एक वर्ड लिखा होगा टू रिमूव प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स लाइक क्लास मॉनिटर्स। देखो प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स क्या है, जैसे क्लास होता है, क्लास में बहुत सारे हुए बच्चे, उसका एक मॉनिटर होता है ना स्कूल में, वो मॉनिटर जो क्लास में होता है, जो सर जाते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ आके खड़ा रहना, मेरे पास समझ में आ रही है, और देखना कोई करे तो उसका नाम लिख के रखना, लेकिन मॉनिटर चौड़ रहा होता है, मेरे पास समझ में आ रही है। जैसे ही आप कुछ भी करो उनका नहीं, अब उसके बगल में बात करोगे बोलेगा ऐसा देखे कहेगा अब भैया ऐसे किया वो चुप हो गया क्यों नाम लिख रहा है वो। बाकी जब सर आते हैं नाम मिलता है तो जिसका नाम लिखा रहता था वो उठता कहता सर हम कहाँ कुछ किए हमको इससे लड़ाई होता है तो सर बोलते हैं तो बिना कहीं कुछ नाम लिख दिया है वो बोलेगा सर हमको इससे नफरत है इसलिए मेरा नाम बार बार लिख देता है ऐसा भी होता है स्कूल में। अरे किसको, लेफ्टिनेंट? नहीं 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 नहीं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर अलग है, उसको लेफ्टिनेंट से कंफ्यूज मत करो। प्रिजाइडिंग ऑफिसर सिर्फ अभी समझना मॉनिटर है। जैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या है, स्पीकर। जैसे कि आप लोकसभा में स्पीकर होते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, विधानसभा में स्पीकर होते हैं, राज्यसभा में अलग होते हैं। राज्यसभा में आपके चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है ना, उसको चेयरमैन भी बोल सकते हैं, चेयरपर्सन भी बोल सकते हैं। अब समझना ध्यान से जरा, इधर एक एक चीज को बारीकी से पहले समझना। वहां जो लिखा हुआ उससे पहले मैंने लिखा हुआ है क्या इधर, ये तब यूज होगा जब आप किसी स्पीकर को हटाना चाहते हो, और स्पीकर को हटाना इतना आसान नहीं। और एक बात दिमाग में रख लेना, जितना बड़ा पोस्ट को हटाना चाहोगे उतना ही टफ मेजोरिटी लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जितना बड़ा पोस्ट अब राष्ट्रपति को हटाओगे तो उतना ही बड़ा टफ मेजोरिटी लगेगा। इसीलिए छोटा पोस्ट हल्के फुल्के लोग उनको हटा देना आसान है, उनको सिंपल मेजोरिटी से भी चल निकल, समझ में आ रहा है। बट स्पीकर इज स्पीकर भैया, और वो मॉनिटर है, और मॉनिटर को हटाना इतना आसान नहीं तो भैया पंगा हो जाएगा। फिर इधर जो सेकंड लाइन है जरा ध्यान से देखना, मैंने लिखा है आरएस या फिर एसएलसी के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, मैंने बोला था ना अभी, सुनना ध्यान से, इस बात को समझ लेना इधर प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेना। पहले अभी मैंने बोला कि क्यों यूज होता है, क्योंकि आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर को क्या हो, हटाते हो। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को हमने शॉर्ट में लिखा है पीओ, और ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर इधर देखना जो आपका लोकसभा का है वो, मान लो वहां पे आपको मैंने लिख के दिया भी होगा, ध्यान से एक जगह देख लेना, नहीं होगा तो मैं दे दूंगा। देखो हाँ लिखा होगा, लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्पीकर प्लस डिप्टी स्पीकर लिखा हुआ है। यस सर। तो लोकसभा का या एसएलए का प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपका स्पीकर होगा या फिर डिप्टी स्पीकर होगा, और डिप्टी स्पीकर डीवाई होता है, ठीक है ना, ये दिमाग में रखना, डी और स्मॉल वाई यहां लिखते हैं डिप्टी स्पीकर। अब दूसरा, राज्यसभा और एसएलसी में क्या दिख रहा है आपको, चेयरपर्सन दिख रहा होगा और वाइस चेयरपर्सन दिख रहा है, कोई दिक्कत यहां तक? इधर हमने बोला है, सुनना प्लीज, कि हम लोकसभा में पूरा का पूरा ये मेजोरिटी ज्यादातर यूज करते हैं, यहां पे हम कम यूज करते हैं, पार्शियल यूज करते हैं। उसके पीछे कारण क्या है पहले समझ लो। देखो ये जो राज्यसभा का जो चेयरपर्सन है ना, वो भैया कोई और नहीं, वाइस प्रेसिडेंट होता है, सुनना ध्यान से। और मैंने अभी क्या बोला, जितना भी बड़ा पोस्ट होगा उतना ही टफ मेजोरिटी लगेगा। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को तो आप हटा दिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वाइस प्रेसिडेंट भले ही राज्यसभा का चेयरपर्सन है, ठीक है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट भी तो है, मतलब मजाक थोड़ी ना है कि उसको भी उठाकर रख दिए इधर। अरे समझ में भाई, वो भी वाइस प्रेसिडेंट है, हाँ है ना। वाइस प्रेसिडेंट अपने आप में क्या है, आप सोचो, जब प्रेसिडेंट अगर नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट को ही प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, तो पोस्ट तो उसका है ना। yes, तो कहीं ना कहीं वो चेयरपर्सन है, ठीक है मान लिए, लेकिन चेयरपर्सन से भी बड़ा उसका ओहदा है, और वो ओहदा है वाइस प्रेसिडेंट, तो उसको आप इतना आसानी से हटा yes, तो भैया उसके लिए क्या लगेगा बताते हैं, पर सुन लेना अभी। पहले इफेक्टिव जो मैंने अभी बताया था वो पहले समझ में आया था आपको? yes, क्या था इफेक्टिव स्ट्रेंथ, मतलब ग्रेटर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ, मतलब कि टोटल स्ट्रेंथ माइनस डीडीआर माइनस डेथ डिस्क्वालीफाई रिजाइन। सुन रहे हो,
अब जो बता रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट का, आप अपने देखना उसमें, उसमें दिया होगा क्या, पहले ध्यान से देखना। एक दिखा होगा आपको राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी, दिख रहा है? सुनो, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए राज्यसभा में आपको इफेक्टिव मेजोरिटी रखेगा प्लस लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी लगेगा, तभी जाके वो हटेगा। आ रहा समझ में? मतलब सिर्फ एक हाउस से काम नहीं बनने वाला। अब सोचो कितना टफ हो गया, राज्यसभा में इफेक्टिव लगाओगे, लोकसभा में तुमको सिंपल मेजोरिटी लगाना पड़ेगा, ग्रेटर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। नींद आ रही है क्या? कोई बात नहीं, छुट्टी जल्दी कर दूंगा, चिंता मत करो। अब जरा देख लो इधर, ग्रेटर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, एक टाइम ही ऐसा टाइम है जब लोग खा के और करते थोड़ा आराम कर लेते हैं भाई, इसी टाइम पे चेक होगा कि तुम्हारे में औकात कितना है। मेरे पास समझ में आ रही है, यही टाइम होता है, क्योंकि अभी सब अलबला का सोना है। अभी इतना अगर ठेठ लगने बोलू 10 छिपा एक एक कहा होते गाँव में, 4 छिपा भीतर सब देवता भीतर। सुने हो आप लोग? सुने हो क्या आप लोग? सुना ही था ध्यान से। तो अभी का जो टाइम है, मैं कसम से बता रहा हूँ, ये जो बार बार आवाज ऊपर नीचे करना, काफी तेज बोलना, फिर आपसे बुलवाना, वो इसलिए क्योंकि जिसको भी नींद आएगा उठ जाएगा, क्यों साले यार? अब इसके बाद समझना, अभी सिर्फ साले यार ही नहीं और भी लोग हैं, समझ में आ रहा है? एक ही नहीं और भी लोग हैं, क्यों? अब इस बात को समझिएगा ध्यान से, प्रिया भी समझ सकती है आराम से। इधर देखिएगा, इधर देखो यार, मुझे मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ मैं पढ़ा लूं और पढ़ा के मैं निकल जाऊं। अगर सिर्फ उतना ही मेरा काम रहता तो फिर मैं अब तक बहुत कुछ निपटा देता। मेरे पढ़ाने से इंपॉर्टेंट है आप तक जाना चाहिए, जब तक आप तक नहीं जाएगा मेरी एनर्जी बेकार है। इसलिए आपको उठा के आपके मुंह पे पानी मार के, अगर उतना से नींद नहीं भी आए तो गर्म कॉफी आप में डाल के, ठीक है, तब भी पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन पढ़ाऊंगा। इधर आना जरा ध्यान से प्लीज। अब वापस बोर तो नहीं हो रहे? अब आधा नींद गायब हो गया होगा। अब कमाल की बात समझना, इधर सलिया देख लेना। तो सबसे फर्स्ट, इफेक्टिव मेजोरिटी का फॉर्मूला सिंपल है। इधर देखो कि भैया, इफेक्टिव अगर पहले स्ट्रेंथ निकालो, स्टेप वन, और इफेक्टिव स्ट्रेंथ निकालने का तरीका यह है कि टोटल स्ट्रेंथ देखो माइनस डीडीआर कर दो, जो भी आया उसमें से 50% से ज्यादा होना चाहिए। और ये यूज होगा कब? जब आप स्पीकर को हटाना चाहते हो तब, मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को, खासकर लोकसभा में और विधानसभा में। अगर आप राज्यसभा में यूज नहीं, मैंने इसलिए क्यों लिखा था पार्शियली, मतलब आधा आधा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन होता है और उसको हटाने के लिए आपको अलग लगता है, राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी प्लस लोकसभा में। तो वाइस प्रेसिडेंट कोई मजाक नहीं, आ रहा है समझ में? ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है? यहाँ तक कुछ समझ आ रहा है? अब जब भी कभी न्यूज में कुछ भी आए, कैसे हटाया जाएगा, कुछ करना है, उठा के मेजोरिटीज देखो कैसे हटेगा, कौन, क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, दैट्स इट। इसके लिए रटना पड़ेगा, एडू तेरिया, इसकी तेरिया, उसकी तेरिया, समझना, पढ़ना पड़ेगा क्या? अरे किसी की भी तेरिया पढ़ो, कुछ नहीं होगा। स्टैटिक फैक्ट अगर पीछे का क्लियर है पूरा डीप कॉन्सेप्ट, तो करंट अफेयर्स बहुत ईजी लगेगा। नहीं पढ़े हो, यही चीज करंट अफेयर्स में बोल बोल के आपको लिखवाया जाएगा, वहां भी आप स्ट्रेंथ लिखोगे। आ रहे समझ में? इसीलिए करंट अफेयर्स तभी, सिर्फ यही करंट अफेयर्स कुछ नहीं है, बस पास्ट का अपडेट है, पास्ट पता है तो अपडेट हो जाएगा। अब इंडोनेशिया का राजधानी अभी चेंज हुआ, तो आपको क्या रटना पड़ेगा क्या? आपको जैसी न्यूज में आया आपको पता है इंडोनेशिया कहाँ है, आपने जाके वहां लिख लिया, बस हो गया, बात खत्म। यही चीज साल भर में आप अपडेट नहीं पढ़ते, नहीं करते, फिर एक साल का प्रत्योक्ता दर्पण खरीदोगे, ये लेजी लोग के लिए एक साल का आया भाई, ये एक साल का क्या कॉन्सेप्ट है? आ रहा है समझ में? सीधा बात है, हर डे टू डे एक साल तक अपडेट करते रहो, और करने की जरूरत नहीं, हर हफ्ता में भी न्यूज पेपर एक बार पढ़ लोगे तो पीछे का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। आ रहा समझ? वो तो नहीं हुए, आगे बढ़ते हैं जरा। तो देख लो जरा नीचे, इफेक्टिव मेजोरिटी का मैंने एक एक लाइन वहां एग्जांपल से पूरा समझाया हुआ है, अब आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा क्या? नहीं। अब जब सिंपल मेजोरिटी की बात करूं राज्यसभा में, तो सिंपल मेजोरिटी मैंने बोला भी था हर जगह लगेगा, और राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी लगेगा तो ग्रेटर देन 50% ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग, तो 245 होता है ना राज्यसभा का, अब उसमें से कितने प्रेजेंट हैं उसके बिहाफ पे ग्रेटर देन 50% होना चाहिए। अब समझ में आ रहा है? नीचे आओगे तो देखो यार, इतना बारीकी से पूरा स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, देखो नीचे लिखा हुआ है, नहीं है क्या? Yes, कि लोकसभा का क्या स्ट्रेंथ है, राज्यसभा का क्या स्ट्रेंथ है, इतना इजी तो लिखा हुआ है यार, बाकी मेरे पढ़ाने के बिना कुछ होगा नहीं। आगे आना, ठीक है? नेक्स्ट, आगे 21 पे।
देखो मेरा सीक्रेट ये है, मेरा सीक्रेट है नोट्स और दूसरा है भैया पढ़ाना, नहीं तो ये नोट्स आपको दे भी दूंगा तो काम आपका चलेगा नहीं। हाँ कोई बहुत एनर्जी लगा लेगा तो निकाल देगा, खूब पूरा एनर्जी लगा लिया कि अब अपने पास ऑप्शन ही नहीं है, यही नोट्स पढ़ के तो निकाल लेगा, मैं गारंटी बता रहा हूँ। हाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा उसको, ये मैं एग्री करता हूँ, इतना जल्दी समझ नहीं आ जाएगा, लेकिन हाँ निकाल सकता है वो। और याद रखना आईएएस बनने के लिए लोग बोलते हैं सेल्फ स्टडी करना, सबसे सबसे गंदा बकवास है ये और सबसे कोरा झूठ है ये। सेल्फ स्टडी से कोई आईएएस बनना होता तो कोई घर बेच के पढ़ाई नहीं करता, ये दिमाग में रखिएगा। अब जरा आइएगा नेक्स्ट, तीन मेजोरिटी अभी तक पढ़ाए हो, क्या क्या, पहला एब्सोल्यूट क्या था, ग्रेटर देन ऑफ टोटल टोटल स्ट्रेंथ, और एब्सोल्यूट क्या था, और सिंपल क्या था, सिंपल था जितना मतलब। अब हो गए कंफ्यूज दो मिनट में, एब्सोल्यूट था, हाँ तो एब्सोल्यूट था ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, और सिंपल था ग्रेटर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, इफेक्टिव था टोटल स्ट्रेंथ माइनस डीडीआर ग्रेटर देन 50% होना चाहिए। ये कहाँ ज्यादा यूज होता है आपको दिमाग में रहेगा पक्का। अब सुनना, ये जो स्पेशल मेजोरिटी है अपने आप में बहुत ही बवाल मचाएगा, इसलिए समझ लेना ये। अब क्योंकि नाम ही के आगे है स्पेशल, और गांव में लोग बोलते हैं स्पेशल, मेरे पास समझ में आ रही है तो भैया इस बात को जरा समझ लेना ध्यान से। हाँ स्पेशल चाय दो, आ रहा समझ में। अब मेरे जैसा आदमी देखो, कोई आदमी जो चाय नहीं पीता हो, जैसे अपन भी नहीं पीते, तुम नहीं पीते तो नहीं पीते भैया, हमारी मर्जी। चाय नहीं पीने का बहुत फायदा आपको बता दिया था मैं, ठीक है। पहली बात तो गैस नहीं होगा, दूसरा आपकी स्किन ठीक रहता है, और थर्ड आपके कभी भी जो बॉडी पे है उस पर जल्दी से मतलब फ्रेश एंड नीट एंड क्लीन रहता है। लेकिन जो चाय पीता है उसको गैस का प्रॉब्लम होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। अब आगे देखना, और मैंने बोला था सब उल्टा कॉन्सेप्ट चलता है, इधर चाय पीना चाहिए कुछ खाने के बाद, तो यहाँ लोग उठते उठते दो गिलास चाय पी लेगा, क्यों प्रवास। अब आगे देखना, प्लीज इधर देखना, स्पेशल मेजोरिटीज अपने आप में सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको समझने के लिए चार तरीके से समझेंगे। एक स्पेशल मेजोरिटी वन, एक स्पेशल मेजोरिटी टू, एक थ्री और एक फोर। और सुनो प्लीज दिमाग में इस बात को लगा लेना, जितना बड़ा पोस्ट उतना बड़ा मेजोरिटी लगेगा, मेरी बात समझ में आ रही है, जितनी बड़ी पोस्ट उतनी बड़ी मेजोरिटी। तो इधर इसी 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 बात पे हम स्पेशल मेजोरिटी वन पढ़ेंगे, और मैंने शॉर्टकट जहां लिखा हुआ है ऐसे स्पेशल मेजोरिटी वन, समझने में कोई दिक्कत है, तो नोट्स में स्पेशल मेजोरिटी वन लिखा हुआ होगा। और सुनना इधर, ये समझ लो पहले, और ये समझ गए तो आपके जीवन के अलग आनंद आने वाले हैं। तो पहली बात, इसको हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले समझ लेना, यहाँ आप 50% वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ कुछ अलग चलेगा, और यहाँ जो कुछ अलग चलेगा वो चलेगा 2/3 का, यहाँ चलेगा 2/3, सुनना ध्यान से। तो लगभग स्पेशल मेजोरिटी में हर जगह 2/3 का यूज आएगा, और ये आपको बहुत कुछ सिखा देगा, ये मेजोरिटी खत्म होते हो तक पूरा पॉलिटी को आप नाप सकते हो कि कौन सा लॉ क्या है कौन सा नहीं है, गारंटीड, ठीक है। अब आगे देखना, तो स्पेशल मेजोरिटी मैंने बोला 2/3 यूज होगा, ये अभी बस रखना, ये आपको दिख जाएगा। फर्स्ट उसमें लिखा होगा 2/3, देखना पहले क्या लिखा होगा, बताओ पहले। अब सुनना, 2/3 प्रेजेंट टाइम वोटिंग तो लिखा है, लेकिन कहां लिखा है, राज्यसभा। अब इस बात को जरा गौर फरमाना, सुनना इधर 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 इधर, इसमें ना एक लाइन मैंने लिखा होगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड परमिशन मेजोरिटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड परमिशन। इधर सुनो, इधर इसको समझने से पहले और भी कुछ समझना होगा आपको, तभी जाके मजा आएगा। तो कुछ लिस्ट होता है, सूची होता है, जो आपको पता होगा, एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, सुनना ध्यान से, और एक होता है कॉन्कर लिस्ट। ये बहुत बेसिक सब चीज़ है जो पहले पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग अब पहले क्या पढ़ो, छुपा हुआ तो है नहीं, और किसी को आता भी होगा तो कोई बात नहीं, सुनना ध्यान से, हम क्यों हैं, हम ऐसे भी बताएंगे। तो ये जो स्टेट लिस्ट है मतलब राज्य सूची, यूनियन मतलब आप केंद्र सूची कर लो या संघीय सूची शायद, और एक कॉन्करेंस लिस्ट जो आपका है समवर्ग सूची, मतलब ऐसा मीनिंग है, पहले समझ लो, इधर समझ लो। यूनियन लिस्ट में कुछ लिस्ट हैं कि आप इस चीज पे कानून केंद्र बना सकता है, इस चीज पे कानून केंद्र बना सकता है, फिर स्टेट लिस्ट में सूची है कि इस चीज पे राज्य बना सकता है। जैसे मान लो कृषि, तो कृषि पे कानून राज्य बना सकता है, लॉ एंड ऑर्डर पे राज्य बना सकता है, मेरे बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से फिर कुछ ऐसे भी लिस्ट है जिसमें दोनों लोग कानून बना सकते हैं, मतलब कौन कौन, हम और तुम, केंद्र और
उसी को क्या बोल रहे हैं? कॉन्करेंट लिस्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? इधर अब मान लो कुछ ऐसा जरूरत पड़ गया जो स्टेट लिस्ट के अंदर है, लेकिन अब केंद्र चाह रहा है कि उस पर थोड़ा सा हम बनाए कानून, उसका कुछ प्रावधान है, उसको अलग सारा डिटेल आगे देखेंगे, लेकिन केंद्र चाह रहा है कि हम कुछ ऐसे चीज पे कानून बनाए, और मान लो वो ऐसी चीज कानून बनाना चाह रहा है कि जिससे कि स्टेट पे भी असर पड़ेगा। अभी बस ये समझना, अभी मैं पूरा डिटेल ले जा रहा हूँ, बस इतना समझना भाई। हम आपको बताए थे पहले भी कि सेंटर क्यों बड़ा है ये स्टेट से, अब चारों पॉइंट बताया था, क्योंकि सेंटर ग्रेटर भैया बताओ पास्ट हमारा, दूसरा राज्य तो अपने मन से आए नहीं थे, जबरदस्ती सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने मिल के लाया था। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या दांव पेच उठा पटक चला था अलग है, तो जब राज्य नहीं थे तो हमें कहीं ना कहीं डर तो था, हम ऐसा नियम बनाए जिसमें सेंटर को ज्यादा पावरफुल बनाए ताकि स्टेट फिर बार बार हमसे अलग होने का बात करे। ये सुनो, तो अब इस बात को समझना, अगर यहाँ पे 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग और लिखा हुआ क्या है राज्यसभा, लिखा हुआ नहीं है क्यों? राज्यसभा क्या होता है? राज्य का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब राज्य को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि राज्य को दर्शाता है। मतलब आप क्या करते हो, आप विधायक को चुनते हो ना, और विधायक लोग ही तो राज्यसभा के एमपी को चुनते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं राज्यसभा क्या है, जो राज्य के प्रॉब्लम को डायरेक्टली दर्शाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि राज्यसभा किसके लिए है? राज्य के लिए। किसके लिए? और राज्यसभा में कोई पॉलिटिकल मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट चलता नहीं है। पॉलिटिकल मेजोरिटी का यहाँ क्यों चलेगा? सीधा सा बात है, यहाँ तो विधायक चुन रहे हैं, यहाँ पे अगर पॉलिटिकल मेजोरिटी यहाँ आ गया तो फिर लोकसभा क्यों है? अब इस बात को जरा समझना, जब मैंने अभी बोला, सुन रहे हो सब ना पक्का? इधर देखना, जब मैंने बोला कि राज्यसभा राज्य को दर्शाता है, मतलब राज्यसभा राज्य के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है, और हम कुछ ऐसा चेंज ला रहे हैं जिससे राज्य पे असर पड़ेगा, तो क्या हम राज्य से परमिशन नहीं लेंगे? तो हमें तो राज्यसभा से तो परमिशन लेना पड़ेगा ना, यस और नो? तो राज्यसभा से परमिशन लेने के लिए ही हम यहाँ पे करते हैं 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग इन राज्यसभा। अब राज्यसभा का टोटल सीट्स मान लो 245, लेकिन हम लिखे प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो मान लो 200 लोग प्रेजेंट थे, तो 2/3 इनटू जो आपका 200 वाला। मेरी बात समझ में आ रही है? सुनना ध्यान से, तो 245 तो टोटल स्ट्रेंथ है ना, लेकिन प्रेजेंट कितने हैं? 200। तो जो प्रेजेंट है और उसमें से जिन्होंने वोट किया है उन लोगों का हम काट करेंगे, तब उसके बाद जो आएगा अब देखना वहां पे एक बार नोट्स में, पहले ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट 2/3 ऑफ प्रेजेंट वोटिंग इन राज्यसभा, एंड अगर ये सेम केसेस कहीं कहीं सम केसेस एसएलए में भी होता है, वो कहां होता है वो आगे आ जाएगा, बट अभी आप दिमाग में रखना है राज्यसभा में। इट इज यूज ओनली इन राज्यसभा एंड इन सम केसेस इन एसएलए, स्पेशल 1 इज इक्वल टू 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग इन राज्यसभा। तो भैया 2/3 होना चाहिए। सुनो, ये 2/3 मैंने वहां 50% जहां लिखा था, तो 50% ज्यादा बड़ा है कि 2/3 ज्यादा बड़ा है? 2/3 भाई ज्यादा है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इस बात को जरा समझना, थोड़ा नीचे पर देखना, एक एक चीज लिख दिया है। यूनियन लिस्ट दिख रहा है, स्टेट लिस्ट भी दिख रहा होगा, और उसमें मैंने लिखा भी है, मान लीजिए अगर सेंटर कानून बनाना चाहता हूं, जो बताया वो लिखा हुआ है सारा कुछ। नीचे आ जाओ, राज्यसभा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट दिख रहा है, मतलब राज्यसभा क्या है, राज्य को प्रतिनिधित्व करता है, एक एक लाइन उसमें लिखा हुआ है। अगर यही लाइन, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप वर्किंग हो तब भी आपको ज्यादा नोट्स बनाने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सारा मेहनत हम किए हुए हैं, फिर तुम नोट्स वापस से बनाओगे तो फिर मेरा क्या फायदा है? मेरी बात समझ आ रही है? इसीलिए इतना मेहनत करके इतने छोटे लेवल पे बनाया गया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो, बस ऐसा लगे जैसे कहानी पढ़ रहे हो। यस और नो? आया नीचे, स्पेशल मेजोरिटी 1 का सिंपल मीनिंग है, हमने अभी सुनो परमिशन लेने के लिए सिर्फ बनाया है, अभी हमने बिल को पास करने के लिए कुछ नहीं किया, हमने बस अभी परमिशन ले लिया कि क्या हम बनाएं। तो राज्यसभा ने बोला कि ठीक है 2/3 PNV ले जाओ। मेरे बात समझ में आ गई? तो प्रेजेंट इन वोटिंग का 2/3 से पास हो गया, आपको परमिशन मिल गया, इसीलिए स्पेशल मेजोरिटी 1 को बोलते हैं परमिशन मेजोरिटी। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि सिर्फ परमिशन लेने के लिए था, अब जैसी परमिशन मिल गया ले गया लोकसभा में, सिंपल मेजोरिटी से पास करा लिया। आ रही समझ? अब स्पेशल मेजोरिटी 2 को देखना, और यहां से आपका कॉम्प्लेक्सिटी शुरू, और ये जिंदगी आपका बदलने वाला है। तो रेडी हो? तो भैया बदल तो चुका है, अभी और बदलेगा। तो इसी बात पे जिनको नींद आ रही होगी सो जाना,
इधर देखना ध्यान से, स्पेशल मेजोरिटी टू। सुन रहे हो पक्का? वन yes, समझ में आया? Yes, नहीं आ रहा? उस समझ में yes, कोई बात नहीं, नहीं भी आया होगा तब भी हाँ बोलना है, ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जब हाँ बोलोगे तो आपको समझ आ जाएगी। इधर देखना दूसरा, अब आपको उसमें क्या दिख रहा है पहले आप ही खुद बताओ, क्योंकि नोट्स स्पेशल मेजोरिटी टू में क्या लिखा हुआ है। अरे नहीं नहीं, जो उसका फॉर्मूला कुछ दिख रहा है वहां? नहीं दिख रहा है ना, बस बस सुनो सुनो, नेक्स्ट पेज पे देखना, पेज नंबर 22 पे। आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, 2/3 पी एंड भी, अब आप वापस 21 पे आना, 21 पे क्या लिखा हुआ है, इट इज ओनली यूज इन कहां, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो कहां यूज हो रहा है, लोकसभा एंड राज्यसभा। क्यों यूज हो रहा है पहले देख लो, टू पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, और फिर नीचे आना, टू रिमूव हाई ऑफिसेज लाइक सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, इन लोगों को अगर हम चेंज करना, रिमूव करना चाहते हैं, तब हम स्पेशल मेजोरिटी क्या लगाएंगे, टू। और सुनो, अभी तो बोला था जितना बड़ा पोस्ट उतनी बड़ी मेजोरिटी, तो भैया हाई कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज है, मजाक है तो भैया, जब ये लोग हैं तो इनको तो चाहिए, तो मेजोरिटी भी क्या टफ चाहिए, यस और नो? अब आप सब में टफ, अभी तक जहां तक बताया हूं आपको, स्पेशल मेजोरिटी टू लग रहा है कि नहीं लग रहा है अभी तक में? अभी आगे स्पेशल मेजोरिटी थ्री पे आऊंगा तो टफ हो जाएगा, फोर आऊंगा तो सबसे टफ हो जाएगा। रिवर्स समझ में आ रही है? इधर अब आप जो 2/3 प्रेजेंट टेंस वोटिंग पहले दिख रहा है आपको, उसमें एक चीज लिखा हुआ है, 2/3 प्रेजेंट टेंस वोटिंग ग्रेटर देन हाफ ऑफ क्या, टोटल स्ट्रेंथ इन लोकसभा एंड इन राज्यसभा दोनों। अब जरा नीचे आके देखो, मैंने एग्जांपल लिखा है, मान लो लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ कितना है, 545, उसमें लिखा हुआ है आराम से इजीली, दूसरा क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट 500 है मान लो, और प्रेजेंट टेंस वोट किए 480। उसके बाद स्टेप वन, पहले 480 का 2/3 निकालो, मान लो 320 आया, दूसरा आप उसके बाद स्टेप टू 273, अब हमें निकाल रहे हैं कहाँ, लोकसभा में, ये तो लोकसभा का है ना, आ गया ना, सो 320 ग्रेटर देन 273, सो बिल विल बी पास्ड। अब जरा नीचे आना, मान लो 500 लोग प्रेजेंट थे बट वोट 480 लोगों ने दिया, जो ऊपर मैंने बोला है वही सारा समझा दिया है नीचे, अब इससे ज्यादा और क्या करूं बोलो। आगे नीचे आना, सारा कुछ लिखा हुआ है, नीचे आना, जितना बड़ा पोस्ट को आप निकालेंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, ये कम आ जाता तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होगा, कम आना ही नहीं चाहिए, नीचे आना 100%, फिर वो कब होगा वो बात के, लेकिन उतना आना चाहिए तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। आना नीचे, अब देखना जरा ध्यान से, मैंने जहां लिखा है स्पेशल मेजोरिटी टू इज इक्वल टू, देखना, स्पेशल मेजोरिटी वन प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। भाई आप सोच के देखो ना, एब्सोल्यूट मेजोरिटी बढ़ाया तो था, क्या बोला था, ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ बोला था, तो हम स्पेशल मेजोरिटी टू को एक तो 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग लिख दिए, यानी कि 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग क्या था, स्पेशल मेजोरिटी वन था, अरे था नहीं था, तो स्पेशल मेजोरिटी वन प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अरे समझ में, एग्जैक्टली इसीलिए बोला कि पीछे का गए तो आगे का गए बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है? अब इधर, अरे सब सुन रहे हो कि गए सब, बिजली गई नहीं है ना, लाइट चली जानी चाहिए, आपकी लाइट नहीं जानी चाहिए, समझ में आ रहा है? और जवान हो, बूढ़े हो गए हो क्या? आना इधर आगे, कुछ लोग आज अब्सेंट है, उनको दिक्कत होने वाला है, ठीक है, आगे आना जरा। नेक्स्ट, सबसे फर्स्ट मैंने अभी तक जो बताया है, पहला क्या था, क्या था, एब्सोल्यूट, दूसरा सिंपल, तीसरा इफेक्टिव, चौथा स्पेशल मेजोरिटी वन, स्पेशल मेजोरिटी टू, यहां तक क्लियर? अब स्पेशल मेजोरिटी टू यूज होता है इसलिए ताकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए, या फिर सीनियर ऑफिसर सब, सीएजी, वो सब आगे पढ़ाऊंगा, उन लोगों को हटाने के लिए, ठीक। अब आना स्पेशल मेजोरिटी थ्री, और जरा इसका मजा लेना, ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी थ्री में देखना क्या लिखा हुआ है, अब जरा नाम आप समझना इधर, अब हम पढ़ रहे हैं स्पेशल मेजोरिटी थ्री, इसमें लिखा होगा स्पेशल मेजोरिटी टू प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। अब ये क्या है मैं बता देता हूँ, स्टेट रेटिफिकेशन मतलब है राज्य की सहमति, सुना, स्टेट रेटिफिकेशन, अब राज्य की सहमति है, इधर 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 इधर
अभी बहुत नया कुछ मिलेगा और क्वेश्चन पूछूंगा, बताओगे अभी। सब इधर हो, देख रहे हो, इधर सुनना। यहाँ मैंने बोला स्टेट रेटिफिकेशन, इसका मीनिंग है कि हर राज्य में हर राज्य की सहमति चाहिए। अब राज्य की सहमति अगर चाहिए हर राज्य का, वो ग्रेटर देन 50% होना ही चाहिए, पहले समझना। उसमें आपको हर राज्य सिंपल मेजोरिटी से उसको पास करेगा। अभी कैसे, पहले समझ लो, पहले मैं इसका मीनिंग बता रहा हूँ, किसका, स्टेट रेटिफिकेशन का। पहले समझना टोटल राज्य कितने हैं, सुनना, कुछ कुछ चीज होता है, यूनियन टेरिटरी है 8, सुनना ध्यान से, सुनो 8 हो गया है, दमन दो कहाँ कहाँ रहते, कहाँ, अभी हम इधर है वही रखो, इसलिए समझना अभी कितने हैं 8, दमन एंड दीव और उसको कंबाइन कर दिया गया है, तो चिंता नहीं, अभी रुक जाओ, आज अभी जो बताने पहले वो बता दो, वो आ जाएगा, चिंता मत करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट से भटकोगे भी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अभी रुको, आप गूगल सर्च भी कभी कर लिया करो। इधर देखो, इधर ये छोटा मोटा चीज है, देखो टोटल स्टेट कितना हुआ, मैं इसको हटा देता हूँ, राज्य हुए 28, आप लोग रहते हो 2019 के दुनिया में, इधर देखना इधर, और यूनियन टेरिटरी है अभी 8। चलो जिसको जिसको 9 लग रहा है ऐसे समझना हम भूल गए 9, अभी बस याद रखना 8 है, बाकी कारण आपको पता चल जाएगा। इधर देखना, दिमाग में पीछे का एक भी चीज प्लीज मत रखना, क्योंकि कंफ्यूजन रखोगे जो बताने वाला हूं वो समझ में नहीं आएगा। राज्य तो 8 है, आपको पता आगे चली जाएगा क्योंकि हम आपको बता रहे हैं, बाकी इसीलिए दिमाग में हटा देना। स्टेट कितने हुए, यूनियन टेरिटरी है 8। ऐसे भी यूनियन टेरिटरी है जहां पे स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली है, जहां पे विधानसभा भी चलता, मतलब खुद केंद्र शासित प्रदेश तो है लेकिन उसमें विधानसभा भी चलता है। ऐसे 3 हैं, एक है दिल्ली, एक है पुडुचेरी और एक है आपका JNK। इसको बोलते हैं, सुना, यूनियन टेरिटरी विथ स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब केंद्र शासित प्रदेश तो है लेकिन उसके साथ, क्योंकि वहां भी तो CM होता है, और जहां जहां जो राज्य में जहां स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली होगा वहां CM होगा, केंद्र शासित प्रदेश में CM नहीं होते हैं, वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। अब सुनना इधर, केंद्र शासित प्रदेश में 5-8, मैंने बोला 8 में से 3 के पास क्या है, विधानसभा है, क्योंकि तीनों जगह पर क्या है, CM है। अरे समझ में आ रहा है, तो 28 राज्य तो ठीक है, उस 28 राज्य के CM तो हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरी जहां पे 3 और भी CM उनको छोड़ दोगे क्या, तो टोटल आपके राज्य हुए 31 जहां पे स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली है, टोटल कितने हुए। अब इन 31 राज्यों का 50% राज्य कम से कम परमिशन जब देगा तभी जाके पास होगा। मेरी बात समझ आ रही है, तो भैया जितना बड़ा पोस्ट उतना ही बड़ा मेजोरिटी। तो ये जो मैंने बोला था आपको कि मेरे क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो कंप्लीट नहीं देखेगा उसको मजा नहीं आएगा। अब जो फिल्म आया है, अभी जो चल रहा है मूवी, अब आ चुका है भैया भयानक मोड पे, हाँ है ना, यस और नो, इसीलिए बोला वीडियो कंप्लीट नहीं देखो तो जाओगे इधर वापस। अब ये जो है टोटल कितने हुए, 30। अब इन 31 को, अगर इन 31 में से अगर 16 राज्य भी पास कर दिए सिंपल मेजोरिटी से तो पास हो जाएगा। फिर बात समझ में आ रही है, 16 राज्य, लेकिन इधर स्पेशल मेजोरिटी 2 भी है बेटा, अरे समझ में, इसको मत छोड़ना अभी, अभी तो खुद अपने आप में बहुत कुछ है, और स्पेशल मेजोरिटी कोई मजाक नहीं है। क्या बोला था, स्पेशल मेजोरिटी 1+ एब्सोल्यूट मेजोरिटी, तो वहां पे भी तो और झटका लगेगा। तो भैया ये स्पेशल मेजोरिटी 3 जो है, अभी मैंने बोला किसको रिमूव करने के लिए किया जाता है, आपको देखना जरा, आप खुद से देख के मुझे बताओ जो लिखा हुआ है, तो किसको रिमूव करने के लिए, देखो जरा ध्यान से, प्रेसिडेंट, नहीं गलत, सुनना ध्यान से, इधर 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 प्लीज सब लोग देख लेना। आप मिला, देखो इधर मिला, मिला बत्ती आई 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 कई गई, इधर इधर प्लीज, इधर ना, इधर कंटिन्यू रहना, रिदम खराब मत करना अपना, इधर ही देखो, इधर इधर सुनो, सुन लो सुन लो सुन लो, नोट्स में मिल जाएगा, सुन लो, जब भी कभी संविधान में संशोधन करना होता है तो वहाँ स्पेशल मेजोरिटी 3 ही लगेगा। क्यों, सुनो, आप देखो, आपने सारे राज्य को लेटर भेजा था, ठीक, सारे राज्य को भेजा, तो भैया कोई बहुत बड़ा बदलाव है तभी सबसे आप पूछ रहे हो, और प्लस स्पेशल मेजोरिटी 2 लग रहा था, उसमें लोकसभा और राज्यसभा तो ऑलरेडी आ गया, आपने किसी को छोड़ा ही नहीं,
आपने पूरा कैप्चर किया, और संविधान में पूरा कैप्चर नहीं करोगे तब तक सब लोग पे कैसे भैया लागू होगा। और मैंने क्या बोला, जितना बड़ा बिल जितना बड़ा पोस्ट उतना ही बड़ा टफ मेजोरिटी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो भैया पहले स्पेशल मेजोरिटी 2 लगाओ, फिर सारे स्टेट रेटिफिकेशन लो, तब जाके संविधान में संशोधन होता है। इतना आसान? आप लोग बोले तो 103वां संशोधन हो गया, समझ में आ रहा है? 130वां हो गया। अरे भैया संशोधन ऐसे ऐसे चल रहा है, लेकिन संशोधन को होने से पहले सुनना चाहिए। अरे समझ में? तब जाके भैया होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब जरा आना 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 पेज पे, पेज नंबर कौन है? 22। पहले 22 पे देख लो, वहां पे मैंने पूरा क्यूज डिस्क्राइब किया हुआ, दिख रहा है एक एक चीज। अब जो बोलने के बाद आपको चमक रहा होगा, कौन से राज्य स्टेट लेजिस्लेचर के साथ है, सारा का सारा नाम लिखा हुआ है, टोटल स्टेट्स 31, सारा समझाया हुआ है। मेरी बात समझ आ रही है? अब जरा मेरा बड़ाई कर दो, इतना ज्यादा कोई करेगा क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। आना आगे। नहीं नहीं, प्रवास दिया है, प्रवास दिया है। नहीं नहीं, अरे प्रवास सब लोगों ने दिया है ईमानदारी से, बाकी सब लोग 26 तक दे दीजिएगा। आगे आइए, इधर इधर 31 पे नहीं, 23 पे। तो 23 पे पहले देख लो, पहले समझ रहे हो? अब स्टेप 1 वहां लिखा हुआ है, विल बी यूज्ड ओनली इन लोकसभा प्लस राज्यसभा, एंड स्टेप 2 विल बी यूज्ड इन SLA, सारे SLA में, पूरे राज्य के विधानसभा में। तो अगर 16 राज्य भी पास कर दिए तो काम बन गया। आना इधर नीचे, बिल सभी, वहां पर मैं लिख दिया बिल सभी राज्यों में भेज दो, उसमें से अगर आधा मतलब कि 1/2 बाय सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया, देन बिल पास हो जाएगा, एंड इसी को स्टेट रेटिफिकेशन कहते हैं, मतलब राज्यों की सहमति। अरे समझ में? Yes, पक्का? Yes, तो ये सिर्फ याद रखना, इस संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में चेंज करने के लिए यूज होता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में चेंज करने के लिए एक आर्टिकल है 368। और आपको मैं सारा कुछ जो ट्रिक बताया था, यू कैन फ्लाई फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू अमेरिका टू मीट द चाइल्ड ऑफ SNP, ठीक है, बोला था ना, यू कैन फ्लाई फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू अमेरिका टू मीट द चाइल्ड ऑफ बोला था उधर, यू कैन फ्यूट, तो भैया जाके देख लेना। अरे समझ में? तो पूरा का पूरा दिमाग मैंने ज्यादा बार रिपीट किया है, तो मेरे को बहुत बार हो गया, समझ में आ रहा है? आप भी रिपीट करोगे हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, बिल्कुल अब इधर देखना, उस पूरे जो चार्ट मैंने ड्रॉ करवाया तो उससे जाके मैच करना, और मैच करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं, ठीक है? यहां तक पक्का? अभी स्पेशल मेजोरिटी 3 खत्म किए हैं, मजा स्पेशल मेजोरिटी 4 में है। अब आना स्पेशल मेजोरिटी 4, दिख रहा है भैया? सबसे टफ मेजोरिटी है ये। आप सोचो हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए कौन सा मेजोरिटी लगा रहे थे? स्पेशल मेजोरिटी 2। अब है भैया स्पेशल मेजोरिटी 4 पे आ जाओ, और इसका आनंद ले लो, जीवन के आनंद देवानंद लो। देखो यहीं तक रखेंगे आज, सुनना ध्यान से, बट इसको समझ लेना, यहीं तक अपने आप में बहुत कुछ है, बस समझना। पहली बात मैंने लिखा है कि सबसे क्या है, टफ मेजोरिटी, सबसे टफ मेजोरिटी, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखना क्या लिखा है, टाइम देखना है राहुल। 2/3, चिंता मत करो, कुछ कारण है, ठीक है, चिंता मत करो, बस ये 4 मेजोरिटीज अपने आप में बहुत कुछ है, ठीक है। क्यों बहुत कुछ नहीं है? अब इधर आना, देखना इधर, 2/3 दिख रहा है? अब 2/3 आपको दिख रहा होगा, लेकिन कुछ अलग दिख रहा है। 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ इन लोकसभा दिख रहा होगा, प्लस 2/3 टोटल सीट्स इन राज्यसभा, सुनना, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ इन लोकसभा प्लस 2/3 इन इधर, यहाँ प्रेजेंट टेंस वोटिंग नहीं है, सुनना इधर इधर देखना पहले, प्लीज समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट टेंस वोटिंग जब भी होता है ना, तो उसमें बायसनेस हो जाता है, क्योंकि प्रेजेंट इन वोटिंग का जब मामला होगा, तो मान लो जिसको पास कराना, प्रधानमंत्री बोला कि तुम आना ही मत, सीधा बोला कि तुम हमारे सपोर्ट में अगर नहीं हो तो तुम आना ही मत, और तुम आना नहीं मतलब पॉलिटिकल में देखा जाए तो यस होता है। भाई देखो, प्रेजेंट इन वोटिंग का 50% से ज्यादा होना चाहिए, मान लो हम ला ही उतने आदमी को जो हमारे फेवर में थे, बाकी सबको हमने बंदी बना के कहीं उलग दिया, खाओ मजे से, मेरे पास नेपाल भेज दिए। तो प्रेजेंट इन वोटिंग में बायसनेस होता है इधर, लेकिन मैंने यहां लिखा है टोटल स्ट्रेंथ, मतलब पूरा में से चाहिए, तो 545 यहां होना चाहिए और 245 यहां, और सुनो
वो भी 2/3 है, 50% नहीं है, और ये भी 2/3 का 245 है। और ये क्यों हो रहा है आपको खुद फील करके देखो, क्या बहुत टफ मेजोरिटी नहीं लग रहा? Yes, sir. और मैंने बोला जितना बड़ा पोस्ट उतना टफ मेजोरिटी, तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए ये मेजोरिटी होता है। आ रहे समझ में? Yes, sir. तो भैया राष्ट्रपति कोई मजाक है? No. मजाक नहीं है, आ रहे समझ में? Yes. तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए इसीलिए सबसे टफ और राष्ट्रपति से बड़ा फिर क्या है। लेकिन आज तक राष्ट्रपति को कोई री हटाया नहीं गया है, मतलब स्पेशल मेजोरिटी। सुनिएगा, स्पेशल मेजोरिटी इधर से सुन लो पहले। तो जितना टफ मेजोरिटी उतना ही टफ जो पोजीशन उसको हटाने लगेगा। आ रहे समझ में? Yes, अरे आ रहे? Yes, इसीलिए स्पेशल मेजोरिटी 4 सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के लिए यूज किया जा सकता है और किसी चीज के लिए नहीं। एकदम भैया अजर है, अमर है। और आप सोच के देखो कितना मुश्किल होता है। तो हमने इतना टफ मेजोरिटी क्वेश्चन भी उठता है बनाया क्यों भाई? राज्यसभा और लोकसभा क्यों बनाया? प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, पहली बात। इनडायरेक्टली इलेक्शन बताया था ना आपको। yes, तो जब इलेक्टेड को इतना हटाना, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन उठाना ही तो है। yes, तो अगर आप इलेक्टेड को चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट हटा ही दिए तो डेमोक्रेसी का ही मतलब खत्म। yes, तो जो इलेक्टेड है उसको हटाना इतना आसान नहीं होगा, और उसमें भी वो जो प्रेसिडेंट है भैया सब बात हटा दो लेकिन राष्ट्रपति सुनकर ही लगता है राष्ट्रपति, और सारा नाम सारा एग्रीमेंट सारा कुछ पे राष्ट्रपति के नाम से साइन होता है। मेरे पास समझ में आ रही है? तो अब इस पे सब मेजोरिटी 4 समझ के मजा आ गया? Yes, अब जरा आना नीचे देख लेना। अब सबसे टफ मेजोरिटी यूजेज ओनली लोकसभा प्लस राज्यसभा, यूज ओनली फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। इसी को बोलते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट वर्ड आपको मिल जाएगा। इम्पीचमेंट मतलब होता है पद त्याग या हटा देना, ठीक है? इम्पीचमेंट मतलब हटा देना, रिमूवल सिंपल समझो कि आपने राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया, दैट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। लेकिन उस पर स्पेशल मेजोरिटी आपको 4 लगना चाहिए। आना नीचे, स्पेशल मेजोरिटी 4 को मैंने पूरा वहां डिस्क्राइब कर दिया, दिख रहा है? Yes, वहां मैंने लिखा है प्रेसिडेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ और मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। इसीलिए राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का मेंबर होता है ना ही राज्यसभा का। भाई राष्ट्रपति राष्ट्रपति है जो पॉलिटिकल न्यूट्रल होता है और ए पॉलिटिकल होता है, वो आगे समझाऊंगा मैं दोनों वर्ड के मीनिंग, बट अभी समझ लेना किसी भी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। आना नीचे, कॉन्स्टिट्यूशन में मेजोरिटी एंड ऑल नहीं लिखा है, बस 2/3 प्रेजिडेंट वोटिंग ये सब लिखा है। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था, यहाँ नोट डाउन में मैंने बाद में आके यहाँ पे लिखा है। मेरी बात समझ आ रही है? जो पेज नंबर 24 है ना, ये भैया आज नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि 24 सिर्फ एक पेज है, लेकिन 24 पूरा बढ़िया लेगा। और सुनना, ये पेज 24 के खत्म होते होते फिर आपको पूरा का पूरा पॉलिटी पे फिर पकड़ बन जाएगा। आप एक एक लॉ को देख के बता दोगे, ट्रिपल तलाक है तो कौन सा लॉ है, ये हुआ तो कौन सा हुआ, ये वे कौन, एग्रीकल्चर बिल कौन, सिटीजनशिप। मेरी बात समझ आ रही है? अरे इधर इधर देखो, बोर हो गया क्या? तो कहने के लिए हो सकता है हम लोग आधा या एक घंटा पढ़े होंगे, लेकिन जो सीखे वो आधा एक घंटा का मजेदार नहीं लगा क्या? अरे मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन आप सोच के देखो पेज एक ही है या दो ही है, बट कमाल की चीज है। टाइम पता चला कितना टाइम हुआ राहुल? सुना ध्यान से, इधर इधर सुनिएगा ध्यान से, ये भी याद रखना आज हम पहले बुलाए थे। समझ में आ रहा है? आज लेट से नहीं बुलाए थे, नहीं तो भूल जाता है कुछ लोग कि आज 1:30 बजे आए थे भैया, 1:30 बजे से हमने क्लास स्टार्ट कर दिया था, 1:32 में क्लास लाइव हो गया था। खैर कोई बात नहीं, इधर एक बात और याद रखिएगा, मैंने आपको आज इसलिए बुलाया था, आज मेरा छुट्टी, आज मुझे छुट्टी करना था, फिर भी मैंने आपको फिर बाद में बुलाया इसलिए क्योंकि मुझे लगा काम हो जाएगा, नहीं फिर कल छुट्टी करूंगा, मुझे खुद बेचैनी हो रही थी। बाकी उससे बेहतर है कि आज मैं पढ़ाई लूँ वापस, ठीक है? बाकी मेरे सब बहुत सारे फ्रेंड हैं वो लोग भी हैं, ठीक है, और जो आए हुए हैं वो सब भी हैं, वो सब खुद कुछ रिजाइन करके खुद ज्वाइन करना है, वो लोग भी हैं। मैं बोला था वैसे मिलवाऊंगा, ठीक है, मिलवा भी दूंगा, लेकिन याद रखना जो पीछे बैठा हुआ है वही है, ठीक है, सबसे पीछे तो ऋषभ है, और ऋषभ सर खुद हैं, उनके लिए बस एक बार आप लोग सब आप लोग बस वो आके कुछ अपना नॉर्मल खाली बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऑलरेडी सारे, पहले बता देता हूँ, सारे पेपर्स लगभग आप जितना सोच सकते हो उससे ज़्यादा पेपर उसने निकाला हुआ है। ऑलरेडी हम लोग का कोर्स फॉर डिफेंस उसी का चैनल बनाया हुआ है, और कोर्स फॉर फोर्स अगर आप लोग जानते होंगे तो उसी का देन है। पीछे जो बैठे हुए उनके साथ हमारे टेक्निकल टीम के सबसे हेड हुआ है, उनके वजह से हमारा सारा कुछ चलता है, तो करुणेश के लिए एक बार ताली हो जाए, क्योंकि हम और ये सब जरूर मेहनत करते हैं, लेकिन करुणेश उससे और ज़्यादा मेहनत करता है,
और बाकी मेरे पीछे और हम लोग के पीछे इसमें देखा जाए तो ऋषभ और करुणेश का हाथ है, और लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है और मैं लाइव बोल रहा हूँ, लेकिन उन लोगों का ज्यादा हाथ है। दूसरा, ऋषभ के बारे में बता रहा था, सारे पेपर्स निकाले हुए हैं, CDS 3 से 4 बार ज्यादा निकाला हुआ है, उसका बैकग्राउंड और उसका सारा कुछ वहाँ है भी कोर्स फॉर फोर्स पे, SCRA से लेकर उसके पहले जितने सारे SSC के पेपर्स हों, चाहे डिफेंस के सारे, एयरफोर्स कितनी बार, SSB में ऑलरेडी कितने बार निकाला हुआ है, हर पेपर उसने निकाला हुआ है, हर चीज का उसके पास है। अभी वो ऑलरेडी जोधपुर कैडर में था, वहां से छोड़ के अभी गुवाहाटी ज्वाइन कर रहा है, तो मैंने सोचा था कि आ रहा है तो हम एक बार मिलवा लेंगे, तब तो नहीं है कुछ नहीं है, नॉर्मल एक फैमिली का पार्ट है हम लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस डिस्कशन करेगा आप लोग जो भी मन है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब मन क्या वो अपना आके नॉर्मल बातें करेंगे जैसे हम लोग हैं, कोई बहुत बड़े है नहीं, और मैं किसी को बुलाता नहीं है, कुछ करता नहीं, सिंपल से बात है, मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने मेरी मदद की है, उनके बिना मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ, उनके सहारे सपोर्ट से, इसलिए मैंने सोचा आपको मिलवाऊंगा, अदरवाइज मुझे रिजल्ट देने में विश्वास करता हूँ, प्रचार करने में नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है, मेरे फर्स्ट बैच से ऑलरेडी काफी सारे रिजल्ट है, सभी का है रिजल्ट, लेकिन मुझे उस बोलने का कोई जरूरत नहीं है कि हाँ अब मैं भी इंटरव्यू कराऊँ, समझ में आया, बैठो बताओ कैसे तैयारी किया, हर फर्स्ट बैच के हर से रिजल्ट है, हर किसी का, तो एक बार आप बस नॉर्मल बातें कर सकते हैं ऋषभ से, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी वो अपना आएगा नॉर्मल बताएगा, सिर्फ ये बताएगा ऋषभ कि हाँ ठीक है अभी मतलब जो है नॉर्मल, उसको जो मन में अभी वो रिजाइन दिया था तो वहाँ पर उसका सेरेमोनियल चीज था, वो वीडियो मैं इस पर डाल भी दूंगा, आप लोग देख लेना, और वहां पे मिला है उसको डिफेंस में, जो मतलब मेहनत से मिलना ही चाहिए, ठीक है, वो आप लोग देख भी लेना, बाकी ये मिलवाने का एक ही कारण है, आप सीधा सा बात है, जब कुछ ऐसे लोग को देखते हो तो सिंपल आपको लगता है कि जब ये कर सकता है तो हम लोग, मेरे पास समझ आ रही है, और शुरू से लेकर हर NDA का पेपर से लेकर हर पेपर उसने क्वालिफाई किया, आप जो सोच सकते हो सारा का सारा पेपर, मेरे पास समझ में आ रही है सारा पेपर, तो आप एक बार जोरदार ताली बजाएंगे ऋषभ सर के लिए, और वो आके अपना नॉर्मल करेगा, ठीक है, अब हम उसको दे तो कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ बात कर सकते हैं, चलिए ऋषभ आजिए एक बार, चलिए एक बार और हो जाए, आ जाइए ऋषभ, माइक है, ठीक है, माइक है, जय हिंद आप सभी को, जय हिंद, मेरा नाम ऋषभ कुमार सिंह है, और मैं भी मोतिहारी से ही हूँ एक्चुअली, 2004 में हम लोग मोतिहारी से चले गए थे, मैं अपने मामा के घर चला गया था 2004 में, लेकिन हाँ मेरा आज भी रेसिडेंशियल एड्रेस सारा यहीं का है, मैंने इससे पहले जैसे भैया ने बताया कि मैं इंडियन आर्मी में तकरीबन 10 महीने काम किया, ज़्यादा नहीं के 10 महीने ही काम किया, हाँ 10 महीने हमने काम किया, वो आर्मी ऑर्डिनेंस कोर था, ऑर्डिनेंस के बारे में आप लोग जानते होंगे, बोल तो नहीं रहे आप लोग, थोड़ा बहुत बता देता हूँ ऑर्डिनेंस के बारे में, मतलब आयुध कोर बोलते हैं, भारतीय सेना का आयुध कोर होता है, जहाँ से सारा एमुनेशन सप्लाई होता है, आप लोग ब्रह्मोस के बारे में सुने होंगे, पिनाका के बारे में सुने होंगे, मैंने सारा कुछ वहाँ देखा है, उसको ऑपरेट भी किया थोड़ा बहुत, समझा भी उसको, नाक के बारे में जितना आप सुनते होंगे करंट अफेयर्स में, जैसे भैया ने बताया करंट अफेयर्स सुनता हूँ कि Agni 5 का टेस्टिंग हो गया, तो हमने टेस्टिंग जो खैर पोखरण में खासकर सारे जो टेस्टिंग होते हैं पोखरण में होता है, एक चांदीपुर में होता है उड़ीसा में व्हीलर द्वीप पे, APJ अब्दुल कलाम द्वीप बोलते हैं उसको, तो हमने सारा कुछ बहुत करीब से देखा, और जैसा कि मैंने बहुत भैया ने बता ही दिया कि मैंने बहुत सारे डिफेंस एग्जाम क्वालिफाई किया, इनफैक्ट सभी को मैंने ज्वाइन नहीं कर पाया था, यही है इसके पीछे प्रॉब्लम, इसके पीछे प्रॉब्लम ये है कि मेरा मेडिकल इशू था, मेडिकल इशू सिंपल था लेकिन जानते हो डिफेंस में अगर आप मेडिकली फिट नहीं हो तो ज्वाइन नहीं कर सकते, तो मुझे जब मैंने 12th पास किया 2017 में 12th मैंने एक्चुअली पास किया, और मेरा ज़्यादा अच्छा क्वालिफिकेशन नहीं है, टेक्निकल डिग्री जैसे कोई ग्रेजुएशन मैंने कर लिया पटना यूनिवर्सिटी से, 2020 में होना था, एक साल डिले हो गया, कोविड का 21 में कम्प्लीट हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे 17 में ही सजेशन देना शुरू कर दिया कि तुम अगर मेडिकली अनफिट हो तो डिफेंस की ट्राई आप मत करो, बिल्कुल सही सजेशन था, नहीं हो तो क्यों कर सकते हो तैयारी, लेकिन मेरा मानना था कि मुझे तैयारी करना है, डिफेंस में ही जाना था उस समय, आज भी है सपना है, और तो मुझे हाँ मैंने तो फिर अप्लाई से लिखा, रिटर्न में इजीली क्वालिफाई किया, फिजिकल मेरा काफ़ी अच्छा है, फिजिकल इतना अच्छा है जितना मेरा रिटर्न अच्छा नहीं है, मुझे एक बोलते हुए कोई भी शक नहीं है, चाहे वो आर्मी का ओपन रैली होता है मैंने वहाँ भी ट्राई किया 2 बार, मैंने उसे भी क्लियर किया जो होता है यहाँ, शायद यहाँ का भी मुजफ्फरपुर में ही होता है ARO में, हाँ
उसका BRO शायद दानापुर में है, तो मैंने यहाँ तक उसके लिए क्वालिफाई किया। समझ सकते हो कि सबसे टफ चीज़ मैं मानता हूँ अभी तक, NDA से भी टफ मैं मानता हूँ उसकी फिजिकल को। लेकिन फिर मेडिकल में वही नतीजा बाहर होते गया, NDA से लेकर के एयरफोर्स सब जगह, तो मुझे भी एक समय आकर लग गया कि नहीं अब मेडिकल में अनफिट हूँ। भैया से मेरी मुलाकात वैसे 2017 में ही हो चुका था। एक अच्छी बात यह है कि जिस स्कूल से इन्होंने 10th करा है उस स्कूल से मैंने भी पास किया था 10th, लेकिन स्कूल में मेरा सेंस था कोई बात नहीं हो पाया था उस समय। लेकिन किस्मत बोलो कि हम बाद में आकर फेस हो गया, जैसे भी बोलो मैंने मिले हम इनसे, इन्होंने बताया कि अगर तैयारी अगर ठीक से कर रहे हो तो एक ना एक दिन पास हो जाओगे। तो मेरा अब सिलेक्शन और रिजेक्शन का पूरा जो दारोमदार था किस्मत के ऊपर था। SSC GD से लेकर के मैंने उसको भी पास किया रनिंग में, फिर से मेडिकल में 2020 तक, तो मैं 7 से 8 मेडिकल लगातार बाहर हो गया। इसी में सब लोग ने सलाह दिया कि बैंक का तैयारी कर लो, SSC का कर लो, पुलिस का कर लो, क्योंकि पुलिस के मेडिकल में सुनते हैं ऐसे भी पास हो जाते हैं पैसा ले देकर। लेकिन मेरा था मन कि तो मैंने नेवी का भी फिर से दिया, फिर बाहर, एयरफोर्स का दिया फिर से बाहर, आर्मी का दिया फिर से बाहर, तो फिर वही फ्रस्ट्रेशन था। लेकिन वही ये सब भैया हम हमेशा बात बोलते हैं कि अगर आपका सोच सही है तो बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। तो मैं जब मेडिकल में गया, मेडिकल में प्रॉब्लम बताया था मेरा सारा क्यूबिटस वल्गस बोलते हैं यहाँ प्रॉब्लम है मेरा ये, और ये प्रॉब्लम जेनेटिकल होता है, ऐसा नहीं कि गिर के टूट जाने से ऐसा कुछ होता है। 10,000 लोग में से 1-2 लोगों के पास ऐसा प्रॉब्लम होता है। मैंने मेडिकल आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का दिया था 2021 में आकर के, और मुझे भी पता नहीं मैं क्यों फिट हो गया। आप लोग अपने बहुत करीब के आदमी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, मैंने कुछ पैसा देकर फिट नहीं हुआ था। होना होता तो हम 2017 से हम 4 साल घर पे नहीं बैठते ना। फिर उसके बाद SSB लेवल का था, मिनिस्ट्रियल का था, वहाँ भी मैं बैक टू बैक दूसरी बार फिट हो गया। तो मुझे आज भी समझ नहीं आता कि मैं फिट क्यों हो जाता हूँ। रीमेडिकल ऐसे वहाँ भी मिला था लेकिन मैं फिट हो गया। तो शायद यही हो सकता है कि अगर मैं इसको लगातार मैं पकड़ के रखा, 4-5 बार भले ही रिजेक्शन मिला, लेकिन अल्टीमेटली मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट मेडिकल ही था, मेडिकल क्लियर हो गया। तो मैंने ऑर्डिनेंस को छोड़कर यहाँ पे अभी ज्वाइन करने का सोचा है। जैसे आप लोग BPSC या UPSC की तैयारी कर रहे हो, तो मैं भी उसी का भैया कहीं वीडियोज़ देखकर मैंने इनको सजेशन दिया था कि हम लोग आपके साथ नहीं आ सकते क्लास में, आप लोग जैसे कहीं पे काम करना रहता है तो हम रात को भी समय निकाल के देख सकते हैं, और आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, नोट्स ही मिलता है, भैया का सीधे गाइडेंस ही मिलता है, तो आपके लिए तो और रास्ता आसान हो जाएगा, मैं समझता हूँ ऐसा। तो मैं भी 67th BPSC को टारगेट कर रहा हूँ, अगर मुझे मिला मौका एग्ज़ाम में अपियर होने का, क्योंकि डिफेंस वाले के साथ प्रॉब्लम होता है कि छुट्टी भी कभी नहीं भी मिल सकता है। तो अगर मिला तो मैं भी अपना बेस्ट दूंगा, ताकि भैया का अगर 10-15 रिजल्ट आए तो उसमें एक मेरा भी हो। बस आप लोग तैयारी कीजिए, डेफिनेटली बिल्कुल सही जगह पर आप लोग आए हैं। मैं डिफेंस बैकग्राउंड होने के कारण मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, मोतिहारी मुजफ्फरपुर इवन पटना में भी भैया के लेवल का कंटेंट नहीं मिलेगा, नहीं तो मैं भी ट्रस्ट नहीं करता। यही सब आप लोग कहना है, बहुत अच्छा लगा मिलके। और कोई सवाल है डिफेंस के रिलेटेड या कोई भी टॉपिक के ऊपर जो मुझे आता है मैं अपने लेवल पे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, यूट्यूब के बारे में भी, फिजिकल के बारे में भी, मेडिकल के बारे में भी। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन मेडिकल के बारे में मैंने रिसर्च करा है। हो सकता है किसी को इसमें DYSP रैंक मिले तो हम मेडिकल हो सकता है। तो और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप लोग, नहीं तो बाकी ऋषभ उन लोग को ये भी बताइए। मैं एक और बताता हूँ, ऋषभ तो आपको ज्यादा नहीं बताएगा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मतलब पेपर निकालने से पहले अधिकतर ये हार लगभग मान चुका था, मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा अपन है, हार मान चुका था लगभग। और बहुत लोग बोला ना जैसे सजेशन किए कि SSC दे दो, रेलवे दे दो, ये पहले से क्लियर था। और मैंने इसको बोला भी था कि आज के बाद निकलेगा पेपर, ये गारंटी है, तुम बस खाली लगातार मारते रहो। इसने हार नहीं माना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, हार अगर मान जाता तो भी आज हार नहीं। और इसने पूरा लगातार दिया पेपर, लगातार देते गया, गिरता गया, लेकिन बस मैंने की बात बोला था तुम्हारा हो जाएगा, तुम लिख के रख लो, आप इससे पूछना। मैं बोला था सिर्फ तुम दो तुम्हारा होगा और तुम्हारा बड़ा पोस्ट होगा, तुम एक दिन IAS भी बनोगे, तुम देख लेना। नहीं भी IAS मत बनाओ मुझे, लेकिन मैंने बोला था कि तुम्हारे अंदर है। और मैं क्या बोलता हूँ आपको, जब आपके अंदर कुछ हो जाए तो रिजल्ट आप खुद भी नहीं रोक सकते, मेरे पास अनिवार्य है ऐसा ना। तो ये दिमाग रखना कि ये आदमी तो कल डेफिनेटली, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा कि ये करेगा नहीं करेगा, वो अलग बात है, उसके लाइफ और उसकी चॉइस है। लेकिन हाँ, आपके पास नॉलेज है तो आपको खुद पोजीशन आपको छीन लेता है, यस और नो? इसीलिए नहीं तो इतना मेडिकल का प्रॉब्लम था यहाँ का, मैंने भी क्रैंक और इसका ये सारा कुछ थोड़ा सा मैंने भी कुछ डॉक्टर से कंसल्ट किया था, सब लोगों ने बोला था सब ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बार बार छट जाता था और सब लोग वहाँ हार माने। तो मैं इसलिए सिर्फ आपको इसको बुलाया हूँ
कि उस पोजीशन से निकला है जिसमें लगभग हार मान चुका था, ट्रस्ट मी, लगभग और पूरे छोड़ने के प्लान में था, लेकिन हाँ फिर भी इसने बाद में कोशिश किया कि नहीं अब जब है तो है। मैं तो सिर्फ पूछ किया कि ठीक है तुम कर जाओ, क्योंकि मुझे पता था और हॉस्टल में मेरे से दो क्लास जूनियर था लेकिन मेरे से ज्यादा जानता है, समझ में आ रहा है। बाकी ये साथ में हाँ शुरू से मुझे जानता था, बात होती नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में ऑलरेडी जानता था, काफी तेज था, मैथ इसका सुपर है ऑलरेडी, काफी ठीक है सब जगह से। तो एक बार मैं इसीलिए आपको बुलवाया कि आप लोगों को मिलकर क्या बुरा लगा क्या? बाकी याद रखना ये जो बोला कि मेरे कंटेंट है जो भी कुछ, हमको कोई वो नहीं करना है, आप मुझे देखो खुद ही, कोई बोले नहीं बोले उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको खुद देखना है और आप लोग खुद देख भी रहे हो, गलत है कि सही है। बाकी पटना दिल्ली तक मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कंटेंट तो सच में नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो अपन टक्कर देंगे उसको, समझ आ रहा है। बाकी आप इससे चाहो तो पूछ सकते हो, लेकिन एक बात नहीं बता दूंगा, कोई भी इसने डिफेंस यूपीएससी का पूरा, और मैंने एक ही बात उसको बोला था कि ऋषभ अब डिफेंस ज्वाइन हो गया है, अब डिफेंस को छोड़ो, अब सिर्फ एक ही काम करना है आईएएस, ये तो बीपीएस, दूसरा अब कुछ नहीं देना है पेपर। तब से फिर इसने पूरा फॉर्म देना बंद कर दिया। एक्चुअली ट्रेनिंग उसका 1.6 ईयर का होता है ना, तो हाँ मैं ट्रेनिंग से ही छोड़ के आ गया था बीच में, तो लगभग हाँ तो मैंने हाँ बहुत लंबा प्रोसेस होता है। एक्चुअली मेरा जान पहचान था मतलब आर्मी ऑफिसर सब के साथ, लेफ्टिनेंट कर्नल एसपी शर्मा थे वहाँ पे, डीसी डिप्टी कमांडेंट, तो जान पहचान होने के कारण मुझे एक महीना लगा। मैंने एक फरवरी को मैंने अप्लाई किया था रिजाइन को लेके, और रिजाइन मेरा एक्सेप्ट हुआ 26 फरवरी को, 26 दिन मुझे भी लगा, जबकि मेरा काफ़ी अच्छा रिलेशन था वहाँ के ऑफिसर सब के साथ, काफ़ी पापड़ बेलना पड़ता मुझे मेरा होते। हाँ मुझे सैलरी भी कुछ जमा करके आना पड़ा, मैंने जितना कमाया उससे ज्यादा वहाँ कमाया भी। लेकिन आगे बढ़ना है तो कुछ करना पड़ेगा यार, या सुनो बस। और एक तो और बात कहूँगा कि मेडिकल मेरा नहीं था, मेरा हो गया, मतलब मेरे उस पर कंट्रोल नहीं था, तो अगला बीपीएससी का या यूपीएससी का रिटर्न है तो वो मुझसे मेरे हाथ में ना, तो उसको कैसे नहीं हो सकता है, बस यही है। और कोई सवाल? मैं तो शायद डिफेंस के बारे में कुछ एमुनेशन, ताकि पब्लिक डोमेन में पता नहीं होता है पिनाका के बारे में या ब्रह्मोस, तो ये जैसे ब्रह्मोस में मैं बोल रहा हूँ, अगर मिलिट्री टर्म में उसको 881 बोलते हैं, 881 MSL मिसाइल, तो 881 का मतलब ही होता है ब्रह्मोस। जोधपुर में मैं रहा तो वहाँ पर कुछ सीखा है सब चीज़ें, बस यही है। कोई बात नहीं, वो आगे सुन लोगा भाई है ना, बाकी इसे आप इसे हो सब पूछ सकते हो, ठीक है, नहीं तो फिर ऋषभ से याद रखिएगा, बाद में की मुलाकात होती रहेगी। इनफैक्ट आगे कुछ क्लास है जो साइंस एंड टेक के हैं, वो कुछ वो क्लास खुद वो अपना एक्सपीरियंस करके जब इसको टाइम मिले तो मैं प्रेशर नहीं डालूंगा, लेकिन ऋषभ एक क्लास का वीडियो बनाना, वीडियो बना के जरूर होंगे, आप लोग मतलब चाहते हो नहीं चाहते, आप लोग बोलोगे तब बनाएगा, कोर्स तो फोर्स बनाता है। और बाकी हाँ यहाँ से भी हम लोग शुरू करेंगे इसको जब वक्त मिलेगा, और हम लोग प्लान में है कि हम लोग साथ में आगे कंबाइन करेंगे स्पेशली साइंस, क्योंकि और भी हमारे जितने सारे फ्रेंड हैं वो लोग आएंगे इस टाइप के जो करेंगे, और ये पढ़ाता बहुत अच्छा है यकीन मानो, अभी थोड़ा सा अभी थोड़ा इस तरह से जरूर शांत है, लेकिन ये बॉम्ब विस्फोट पढ़ाते समय करेगा, समझा। बाकी जो इतना पेपर निकालता है वो थोड़ा गुमसुम ऐसा ही होता है, वो मैं खाली चिल्लाता रहता हूँ। तो आराम से हारी सब एक बार सब लेता ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को मिलकर ठीक ठाक लगा होगा, और बाकी उसको भी मैंने ऑलरेडी बोला है, मैंने रिक्वेस्ट किया है, ये नहीं कि उसका ऑर्डर, हाँ मैं उसको ऑर्डर दे सकता हूँ, सिर्फ मैं देता हूँ, वो और किसी का ऑर्डर लेता भी नहीं है, समझ में आया। बाकी रिक्वेस्ट करके हम लोग वही शुरू किए थे कि साथ में एक बार स्टार्ट करेंगे ताकि वो ज़्यादा बेहतर हो, आप लोग चाहते हो तब। बाकी आगे कंटिन्यू भी रहेगा, और इनफैक्ट मैं एक ही बात बोलूंगा, उससे मैं ऋषभ से मैं उसको जरूर समझाया हूँ, लेकिन उससे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। उसको बार बार बोलता भैया हमसे क्या सीखे हैं आप, लेकिन हम बता रहे हैं सीखे हैं, और सीखना एक ही चीज़ है, जब आपके हाथ में कुछ नहीं भी हो तब भी चलते रहो, बात खत्म है, मेरी बात समझ में आ रही है? और वो बस मिलेगा आपको, आ रहा है समझ में? और हम तो यहाँ बहुत कुछ दे रहे हैं, नहीं मिलेगा क्या? तो मिलेगा, और इसी बात पे ध्यान रखना, बात चाहोगे उसका जो कुछ वीडियोस है वो हम शेयर करेंगे, जो आपके लिए अच्छा होगा और आपके काम का होगा, जो काम करने से भी अपन शेयर करते हैं, ठीक है? और मिल के आप करते रहना, जब वो कर सकता है तो आप, और मिल के करना है, और इस बार रिजल्ट देना है, देना नहीं देना है? और हमें रिजल्ट सिर्फ देना है, हमें बोलना नहीं है किसी को, रिजल्ट देना और अपने हालात तो सबको छोड़ देना है, मेरी बात समझ आ रही है? जो है या फिर हमें जवाब सिर्फ रिजल्ट से देना है, बरवानी से नहीं, ठीक है? तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।